हेलो एवरीवन, ये कहानी है जिन की। जिन एक ऐसी लड़की है जिसको एक रेयर डिजीज है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही साल बाकी बचा है, लेकिन फिर भी ये हमें हर टाइम खुश ही नजर आती है, क्योंकि जितने दिन उसके पास बाकी बचे हैं वो रोते हुए गंवाना नहीं चाहती, पैसे कमाना चाहती है ताकि जो उसके पीछे बाकी उसके प्यारे बचेंगे उनको थोड़ा सहारा ही दे जाए। और इसके साथ ही हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम बायजू है। बायजू बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो एक इमॉर्टल है और हंड्रेड ऑफ ईयर से वो एक ही लाइफ जीता आ रहा है। वो ना तो बूढ़ा होता है और ना ही मरता है, और एक तरह से ये लाइफ अब उसे बोरिंग लगने लगी है। वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस जाना चाहता है और अपना यही गोल अचीव करने के लिए बायजू आजकल एक इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ होता है। वो एक आदमी की फोटो के थ्रू उसे एक वर्कशॉप पर तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी जैसे ही उसे वहां पर देखता है तो दौड़ लगा देता है और वहां से दूर भाग जाता है। अब बायजू ने भी उसका पीछा किया था और वो उसके पीछे पीछे एक बस में चढ़ जाता है। उस मिस्टीरियस से इंसान का नाम डाउ था और उसके पास कुछ स्पेशल मेडिसिन थी जो कि वो बस में चढ़ते ही खा लेता है। अब बायजू बस में उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम एक हॉस्पिटल में रिसर्चर थे, ये 1999 में ऐसा क्या हुआ था कि तुमने सारा कुछ छोड़ा था और भाग गए थे, और सारे के सारे पेशेंट्स जो उस वार्ड में थे वो भी मर गए थे। अब यह हादसा क्या है इसकी हमें अभी तो समझ नहीं आती, लेकिन डाउ कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। वो जब खुद को पकड़े जाते देखता है तो फौरन से जाकर बस ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग बस से नीचे उतर गए थे क्योंकि वहां पर बहुत खतरा था। और फिर यहाँ पर बायजू से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डाउ इतना पावरफुल हो गया था कि वो बायजू को ही हराता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बायजू एक दफा जिन की लाइफ को बचाता है जब डाउ ने उस पर हमला कर दिया था। अब बस से बाहर निकलते ही दाओ जिन को हॉस्टेज बना लेता है और वो चाहता था कि बायजू उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन फिर पुलिस को आते देख वो फौरन से बस में चढ़ जाता है और भागने की तैयारी में होता है। बायजू भी उसके साथ बस में चढ़ता है। यहाँ पर उनकी ऐसी फाइट होती है कि जिसकी वजह से बस ब्रिज से नीचे पानी में गिर कर डूब जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद लगा नहीं था कि कोई भी बचा होगा, और फिर हमें पता चलता है कि जिन एक्चुअली एक हॉस्पिटल में ही काम करती है। वो वहाँ जाती है, उसका थोड़ा बहुत चेकअप होता है, हर चीज़ नॉर्मल थी। यहाँ पर उसे उसके मास्टर मिलते हैं, और यही एक मास्टर ही दुनिया में उसका एक पूरा परिवार थे, उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था। वो उसे ठीक ठाक देख बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मास्टर के साथ जिन ये दोनों एक बहुत ऑड सी जॉब करते हैं, क्योंकि वो लोग मौज में जॉब करते थे डेड बॉडीज का मेकअप करने का जब उनको फ्यूनरल के लिए रेडी किया जाता था, और ये जॉब बहुत कम लोग करते हैं। अब जब मौज में डेड बॉडीज आती हैं तो वहीं पर ही जिन डाउ की और बायजू की बॉडी भी देखती है। उसे मरा देख वो बहुत सैड हो गई थी, क्योंकि आखिर उसने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। अब जब वो उसे फ्रीजर में बंद कर देती है तो हमें पता चलता है कि बायजू की बॉडी में अभी भी हीट बाकी है। और फिर हमें एक और कैरेक्टर दिखाते हैं जिसका नाम फेंग है। फेंग की एक्चुअली दादी की दादी के साथ मिलकर बायजू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि अब एक बहुत बड़ी फैशन ब्रांड बन चुका है। फेंग की फैमिली अपनी चार पीढ़ियों से बायजू की गार्डियन बनी हुई है, और अभी भी उसे इन्फॉर्मेशन कि वो एक मॉर्ज में है और जाकर उन्हें उसे रेस्क्यू करना पड़ेगा। उधर जिन बायजू के लिए प्रेयर कर रही होती है और अपने मास्टर के साथ मिलकर यही प्रार्थना करती है कि उसका आगे का सफर अच्छा अच्छा गुजरे और उसे एक नया जन्म मिले जहाँ पर वो सुरक्षित रहे। लेकिन वो मरा कहाँ था, वो तो इमॉर्टल था। वो फ्रीजर में ही पड़ा अपनी आंखें खोलता है, और इसी वक्त उसकी कंडीशन बहुत खराब होने लगती है। एक्चुअली 11 बज गए थे। ये वो टाइम होता है जब रोजाना बायजू एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो उसके क्लोज लोगों के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। अब वो फ्रीजर में ही पड़ा तड़प रहा होता है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इतने में जिन को वहाँ से शोर की आवाजें आती हैं, वो जाती है और उसका लॉक ओपन करती है तो उसकी डेड बॉडी स्लाइड करती हुई बाहर निकलती है, और इसके साथ ही वो एक डेविल की फॉर्म में छत से चिपका हुआ होता है और वो आते ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही उसने जिन को टच किया था वो वापस अपनी ठीक फॉर्म में चला जाता है, एकदम काम डाउन हो जाता है, और जैसे ही वो जिन से दूर जाता है वो दोबारा से डेविल बन जाता है। अब ये सिचुएशन उसके लिए बहुत मिस्टीरियस थी और वो बहुत बेकाबू होता जा रहा था। जिन वहां से भागती है और खुद को बचाती हुई जाकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर ही फेंग आ जाता है अपने साथी के साथ, और ये न्यूज आउट करने से पहले ही वो जिन को बेहोश कर देते हैं। और अब बारी थी उस डेविल से निपटने की। वो दोनों मॉर्ज में जाते हैं और जाकर बायजू को संभालने की कोशिश करते हैं जो उस वक्त एक डेविल बन चुका था। उसे संभालने के लिए एक स्पेशल नाइफ था उनके पास, उनको पहचान नहीं सकता था, बल्कि उनसे लड़ाई करने लगता है, और यहाँ पर काफी देर फाइट होती रहती है, और इन दी एंड फेंग बायजू के सीने में वही नाइफ घोंप देता है,
और इसके साथ ही वो शांत हो गया था। थोड़ी देर बाद वो नाइफ बाहर निकाल लेते हैं और इसके साथ ही बायजू होश में आता है, तो वो लोग अपने यंग मास्टर को सॉरी करते हैं क्योंकि वो रेस्क्यू में थोड़े से लेट हो गए थे। अब फैंग का तो यही कहना था कि इस लड़की को ठिकाने लगा देना चाहिए, रास्ते से हटा देते हैं वरना हमारा सीक्रेट आउट हो जाएगा, लेकिन बायजू उनको ये काम करने से रोक देता है। वो बोलता है कि मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं है। अब जिन जब सोकर उठती है तो वो हैरान थी, उसे लगा था कि उसने कल कहीं सपना देखा था। उसे पता चलता है कि बायजू की बॉडी उसकी फैमिली लेकर चली गई है, लेकिन जब वो देखती है कि एक स्विच में वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसे कन्फर्म हो जाता है कि वो सपना नहीं था, कल रात यही हुआ था। अब वो एक रिकॉर्ड के थ्रू उसका नाम और उसका पता अपने पास सेव कर लेती है और फिर उसी कंपनी में जाकर उससे मिलने की कोशिश करती है जिससे कल बायजू की बॉडी को रिसीव किया था, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी थी कि कोई उसे अंदर जाने ही नहीं देता। अब जिन बहुत परेशान थी और अपनी एक फ्रेंड लान से ये सारा कुछ डिस्कस करती है, उसे बताती है कि उसने कल क्या देखा था, लेकिन लान का कहना था कि एक्चुअली बस वाले हादसे के बाद शायद तुम एक ट्रॉमा में हो और इसीलिए तुम्हें ये सब वहम हो रहा है। जबकि उधर बायजू अब बिल्कुल ठीक ठाक और उसने अपना बिजनेस वापस जाकर संभाल लिया था। आजकल वो लोग यही प्रेपरेशन कर रहे होते हैं कि उनकी कंपनी में एक फैशन शो अरेंज होना था और इसी इवेंट की तैयारियां चल रही हैं। बायजू को बहुत ज्यादा शक था, इवन किसे विश्वास था कि वो लड़की जिन ऐसे उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, जो कुछ वो देख चुकी है वो जरूर उसके पीछे आएगी। वहां पर जिन मॉर्ज में एक बात नोटिस करती है, डाओ की बॉडी जब वो देखती है तो उसमें कोई भी सिंबल ऐसे नहीं थे कि जिसमें वो डूब कर मरा हो। उसके नेल्स का कलर भी चेंज नहीं हुआ था और ना ही उसकी बॉडी स्वॉलन हुई थी। वेल, अब जिस दिन उनकी कंपनी में फैशन शो होना था तो वहां पर बहुत से पार्ट टाइम वर्कर्स की जरूरत थी और उन्हीं के भेस में जिन भी वहां पर पहुंच जाती है अपना मिशन पूरा करने के लिए। अब जिन मौका पाते ही लिफ्ट में ऊपर सीईओ के ऑफिस में जाने लगती है और एक्चुअली इस सब की तैयारी पहले से ही बायजू ने की हुई थी। वो भी बड़े मजे से सीसीटीवी में उसकी फुटेज देखकर एंजॉय कर रहा होता है और वेट कर रहा था कि वो कब पहुंचे। इवन कि उसने सारा प्लॉट बनाया हुआ था। वो लिफ्ट बंद करा देता है और उसी टाइम पर ऑन कराता है जब एन 11 बजे वो डेविल बनने वाला था। अब जिन पूरे 11 बजे उसके ऑफिस में एंट्री करती है और उसी टाइम पर वो एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। वो आगे बढ़ता है जिन पर हमला करने के लिए, लेकिन उसे छूते ही उसकी कंडीशन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अब जो शक उसे उस रात हुआ था वो आज के दिन कन्फर्म हो गया था। अब वो सारा समय उसका हाथ पकड़े रखता है ताकि वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म ना हो। यहाँ पर जिन काफी हैरान थी, लेकिन मजे की बात है वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। बायजू से यही पूछता है कि तुम्हें एक डेविल से डर नहीं लगता, ऑल्दो मैं तुम पर पहले भी हमला कर चुका हूँ और ये सीक्रेट तुम जानती हो, तुम्हें कोई भी रास्ते से हटा सकता है। लेकिन जिन का कहना था कि मौत से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, वैसे भी मेरे पास जीने के लिए थोड़ा ही समय बचा है, एक ना एक दिन मैंने मर जाना है। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत खुश भी थी कि बायजू जिंदा है और उसे लगा था कि वो मर चुका है। वो उससे कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम जो भी स्पीशीज हो या गॉब्लिन हो या जो भी क्रिएचर हो, मैं बाहर जाकर किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब वो हेल्प कौन सी है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अब बायजू बिल्कुल काम डाउन हो चुका था, वो आराम से बैठ कर जिन से बातें करता है और फिर उससे एक प्रॉमिस भी लेता है और वो यही था कि वो उसे कल दाओ की बॉडी को दिखाने के लिए मॉर्ज में एंटर कराएगी। अब जिन तो अपना वादा निभाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब बायजू वहां जाकर डाओ की बॉडी को अच्छे से चेक करता है और उसकी डेड बॉडी से कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट कर लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली डाओ ने जो मेडिसिन बस में चढ़ते ही ली थी उसी की वजह से वो एकदम पावरफुल हो गया था और उसने इमॉर्टल को भी हरा दिया था एक फाइट में, और शायद उसी मेडिसिन की वजह से अभी भी उसकी बॉडी पर वो असरात नहीं है जो कि डूबकर मरने वालों को होते हैं। यहाँ पर जिन बदले में बायजू से एक मेडिसिन मांगती है जिसके थ्रू वो मरते मरते दोबारा जिंदा हो जाए, लेकिन बायजू का कहना था कि ये मेडिसिन मैं तुम्हें तभी ला कर दूंगा जब तुम पहले एक दफा मरने वाली होगी, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही हो। अब जब बायजू वहां से चला जाता है तो उसी टाइम पर जिन पर दो गुंडे हमला करते हैं, वो उनसे बचती उससे पहले ही बायजू आ जाता है और उसको रेस्क्यू करता है। वो गुंडे तो वहां से भाग गए थे, लेकिन जिन की नोज ब्लीडिंग करने लगती है, बायजू उसे पिगी बैग कैरी करता है और अपने साथ ड्रेसिंग रूम में ले जाता है। जिन का ब्लड एक्चुअली उसके खुद के ऊपर भी लग गया था तो वही वो वाइप करने लगता है, तो यहाँ पर जिन देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमाल की थी। बायजू उससे कहता है कि मैं एक साल के अंदर अंदर वो फार्मूला तलाश करने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारी जान बच सके, और इसके साथ ही उसे अपना फोन नंबर भी शेयर करता है। अब जब बायजू वापस आता है तो उसके साथ ही उसे यही मशवरा देते हैं कि इस लड़की से दूर रहो, आज तक कोई भी विश्वास के काबिल नहीं, सिर्फ आपके करीबी लोग हैं। लेकिन बायजू का कहना था
कि मुझे उस लड़की से कोई खतरा नहीं, वो मेरी म्यूटेशन रोक सकती है और मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बायजू ने फैसला किया था कि वो रोज़ाना रात को 11 बजे उसे अपने पास हायर करेगा ताकि वो डेविल बनने से रुक सके, और इसीलिए आज भी उसके पास जिन आई हुई होती है। अब वो जिन का हाथ पकड़ कर बैठता है और वो दोनों इकट्ठे मूवीज देखते हैं। और इसी बीच एक दफ़ा वो डेविल में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है कि वो फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता। अब जिन उससे कहती है कि जो तुम कर रहे हो इसको हरेसमेंट बोलते हैं, लेकिन बायजू का कहना था कि मैं तुम जैसी लड़की को क्यों हरेस करूंगा। ऑफकोर्स ना तो उसके स्टेटस की थी और ना ही उसकी उस जैसी पर्सनैलिटी थी, पर उसे उसकी ज़रूरत थी इसलिए वो उसको बहुत हैवी पेमेंट देता है और बदले में उसका हाथ पकड़े रखता है। अब नेक्स्ट डे बायजू को अपनी फ्रेंड लान के थ्रू पता चलता है एक और डॉक्टर का। वो डॉक्टर एक्चुअली ट्रांसप्लांट के ऊपर काम कर रहा था। वो उसी से ही मिलने के लिए एक हॉस्पिटल में जाती हैं, लेकिन वहाँ पर अचानक से पावर ऑफ हो गई थी। उस फ्लोर पर और कोई भी नहीं था और साथ ही लिफ्ट भी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर जिन किसी तरह से एक कमरे में एंटर होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नीचे गिर गया था जिसमें उसी डिजीज के ऊपर रिसर्च लिखी हुई थी जिस तरह की डिजीज जिन को है। वेल इतने में बाहर वो डॉक्टर आ जाता है और वो और जिन एंड टाइम पर दरवाजा खोलते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर थोड़ा सा घायल हो गया था। लेकिन डॉक्टर लिन इतना स्वीट था कि उसने जिन को कुछ भी नहीं बोला था और वो उसे डांटता भी नहीं। वेल अब फिर से रात के 11 बजे जिन को बायजू के पास जाना पड़ता है। वो उसका हाथ पकड़ कर बैठा होता है और साथ ही अपना काम करता रहता है। यहाँ पर वो चोरी चोरी बायजू की एक फोटो भी बना लेती है। उसके बाद जब उसके जाने का समय और फिर जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो उसको उसकी पेमेंट दे देता है। लेकिन आज जिन का कहना था कि मुझे पेमेंट के अलावा कुछ और भी चाहिए, इससे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं। अब उसने डबल मीनिंग वाली बात कही थी, लेकिन बायजू आगे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो या तो सिर्फ पैसे हैं और मेडिसिन तो मैं सिर्फ तलाश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जिन उसे खींच के अपने क्लोज करती है और कहने लगती है कि मुझे कुछ और भी चाहिए और वो क्या चाहिए ये मैं सोच कर बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे जिन की मुलाकात डॉक्टर लिन से होती है, और जब उसे पता चलता है कि ये कौन सी जॉब करती है तो वो सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये काफी नोबल प्रोफेशन है और इस तरह के गट्स बहुत कम लोगों में होते हैं, स्पेशली एक गर्ल में तो पॉसिबल ही नहीं था। डॉक्टर लिन को भी पता था कि इसके पास कितना समय बचा है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई विश हो जो मैं पूरी कर सकता हूँ तो मुझे बताना। और यहाँ पर जिन इमेजिनेशंस में डॉक्टर लिन के साथ ये एक डेट पर पहुंची हुई होती है। एक्चुअली उसने कभी किसी को डेट नहीं किया था और यही उसका सपना था जो वो पूरा भी करना चाहती थी। अब उसके बाद फिर से रात को 11 बजे जब जिन बायजू के पास अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंची हुई होती है तो उससे कहती है कि मुझे जो कुछ और चाहिए था मुझे पता चल चुका है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, एक दिन हम कहीं डेट पर जाते हैं। वो अक्सर बायजू को एक एलियन बोला करती थी, लेकिन बायजू का कहना था कि मैं ज्यादातर अपने घर पर ही रहता हूँ, बाहर आना जाना मेरा होता ही नहीं। लेकिन अब जिन की जिद थी तो उसे माननी तो पड़ेगी ही, क्योंकि जिन के पास वो चीज थी जिसकी बायजू को जरूरत थी। लेकिन एक्चुअली बायजू को उस पर शक हो गया था और अपने फ्रेंड्स को जाकर यही बात बताता है कि कल मैंने उसके साथ एक डेट पर जाना है और मुझे लगता है कि वो मुझे ट्रैप कर रही है, मैं एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने वाला हूँ। और वाकई कुछ ऐसा ही था। जिन ने अपनी फ्रेंड लान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया हुआ था और वो भी उसी मॉल में पहुंची हुई होती है। अब जब बायजू और जिन दोनों शॉपिंग में एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसी समय वहां पर फेंग भी आया हुआ था और उसके साथ साथ बाकी गार्ड्स भी, जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे बायजू को सुरक्षित रखने की। यहां पर शॉपिंग करते करते जिन जानबूझकर बायजू को एक स्कार्फ पहनाती है जो कि उसे पसंद नहीं आता, तो उसे वापस रखना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद लान आती है और उस स्कार्फ के ऊपर से बायजू का एक हेयर स्ट्रैंग उठाती है और सैंपल के तौर पर ले जाती है। बायजू भी इस सब से अनअवेयर नहीं था और उसे यह भी पता था कि लंच करते समय उसकी फ्रेंड इनके पास ही बैठी हुई है, और जब वो उठ जाते हैं तो वो बाजू से आती है और उसी कप में जिसमें उसने पानी पिया था सैंपल के तौर पर उसको भी अपने पास रख लेती है। लेकिन जिनको ये नहीं पता था कि वो तो एक प्लान बना रही है, लेकिन एक प्लान बायजू ने भी बनाया था। वो उसे जिस मॉल में लेकर आया था ये उनका अपना मॉल था और उसकी सारी सिक्योरिटी और हर जगह की फुटेज इस वक्त फेंग के हाथ में थी। और लान जहाँ पर वो सारे सैंपल्स लेकर गई थी, फेंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। और उधर हमें दिखाते हैं कि जिन के मास्टर भी उसी मॉल में पहुंचे हुए होते हैं और उनसे छुपने के लिए वो बायजू को हक कर लेती है ताकि वो उसे देख ना ले। अब बायजू भी उसे खुद उठाता है और रोमांटिक सीन तब बन जब वो उसे छुपाते छुपाते एक राइड पर बिठा देता है। उधर फेंग थोड़ी देर बैठ कर ऑर्फन डोनेशन से रिलेटेड लान से बातें करता है, लेकिन इसी बीच उसने सैंपल वहां से गायब भी कर लिए थे और लान को पता ही नहीं चला था। अब जिन तो शॉक्ड थी, लेकिन बायजू वो रॉक कर गया था। उसके सारे सैंपल्स उसके पास वापस पहुंच गए थे।
अब रात को 11 बजे दोबारा से जिन उसके पास अपनी ड्यूटी करने के लिए आती है वो एक तो शांत रहता है, उसे कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर वो कुछ पुराने गाने सुन रहा था, जो सुनते सुनते उसे बहुत पुराने दौर की यादें आने लगती हैं। बहुत सालों से जी रहा था, उसकी बहुत सारी मेमोरीज भी होंगी। अब यहाँ पर जिन एक कॉल सुनने के लिए बाहर आती है और यहीं पर उसके साथ एक हादसा होने वाला होता है कि बायजू उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच वो खुद थोड़ा सा घायल हो गया था। अब उसे ब्लीडिंग होने लगती है। अब उसका फ्रेंड भी आ गया था, उसे बैंडेज करने लगता है। अब जब सारे लोग चले गए थे, वो दोनों अकेले रह जाते हैं, तो बायजू उससे कहता है कि ये सारा कुछ तुमने जानबूझकर किया था, ये हादसा भी एक नाटक था, क्योंकि तुम मेरा ब्लड सैंपल लेना चाहती थी। लेकिन जिन का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हारे सैंपल्स कलेक्ट करने की जरूर कोशिश की है, क्योंकि मुझे तुम पर शक था। एक्चुअली उस रात जब वो मौज में आया था, तो जिन पर दो गुंडों ने अटैक किया था। वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि बायजू के ही आदमी थे, और उसने उन्हें उनकी परफ्यूम की खुशबू से बाद में पहचान लिया था। क्योंकि एक बात जिन जान चुकी थी, और वो यही थी कि बायजू को और उसके साथियों को उस पर शक हो चुका है कि ये डाओ के लिए काम करती है और उसी के लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। लेकिन एक्चुअली जिन दाव के लिए काम नहीं करती थी, वो खुद से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि ये सस्पिशियस से लोग हैं। लेकिन साथ ही साथ वो काफी चालाक भी थी। उसने उसे ब्लैकमेल करने के लिए बहुत सा डाटा इकट्ठा किया हुआ था। उसकी फोटोज भी थी और उसकी और अपनी स्टोरी भी, जो कि उसके मरने के बाद एक खास टाइम पर पब्लिक में चली जाएगी। तो अब अगर बायजू उस पर हमला भी करना चाहता था, उसे मार नहीं सकता था। और ये कहती हुई जिन वहाँ से चली जाती है, जबकि बायजू उसको अपने हार्ट में पेन होने लगती है और वो खुद को काम करने के लिए बाथटब में चला जाता है। और वहाँ से वापस जाते ही जिन की अपनी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बायजू अपने साथियों की बातों में आकर जिन पर शक तो करने लगा था, लेकिन एक्चुअली कहीं ना कहीं उसका दिल उसे कहता था कि वो लड़की बहुत स्वीट है और उसके लिए डेंजरस नहीं है। और उधर हमें दिखाते हैं कि एक दिन बायजू को पता चलता है कि दाओ की बॉडी को जो एम्बुलेंस लेकर जा रही थी, उस एम्बुलेंस को हादसा हो गया है, और जिसके बाद उन दोनों की बॉडीज जल गई थी, ड्राइवर की भी और दाओ की भी। लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत सस्पिशियस लग रहा था। उसके बाद दिखाते हैं कि एक दिन डॉक्टर लिन के साथ जिन गई हुई होती है एक स्टोर पर, और वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसको चोरी चोरी कोई देख रहा होता है, और वो बायजू था। इतने में यहाँ पर बुक शॉप का ऑनर भी पहुंच जाता है, जो बायजू को काफी डांटता भी है, क्योंकि वो बहुत देर से खड़ा उसकी मैगजीन पढ़े जा रहा था और उसे खरीदनी भी चाहिए, लेकिन बायजू उस पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। इतने में वो मुड़ कर देखता है तो जिन बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ी थी, उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगती है। एक्चुअली बायजू थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि कुछ दिनों से पुलिस बार बार जिन से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन वो तो दाओ के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन बायजू को ऐसे शक होने लगता है कि कहीं ये उसके सारे सीक्रेट पुलिस के सामने न रख दे। अब उन दोनों की लड़ाई हो जाने के बाद बायजू एक जगह पर जाता है, जहां पर उसके लोगों ने एक आदमी को पकड़ कर रखा हुआ था, और इसी आदमी के थ्रू वो लोग दाओ की इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे होते हैं। इसी आदमी ने थोड़े अरसे पहले दाओ को एक फेक आईडी बना कर दिया था, और वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें उसके कोई रिलेटिव या किसी और के बारे में पता है तो हमें इन्फॉर्मेशन दो। और उससे काफ़ी टॉर्चर करने के बाद वो लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं कि उसका एक रिलेटिव है जिसका नाम जाओ था, और वो प्रोबेबली एक डॉक्टर भी है। इस आदमी ने उसकी भी एक फेक आईडी बना कर दी थी। अब बायजू उसी डॉक्टर की तलाश में निकल पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि एक दिन डॉक्टर लिन फिर से मॉर्ज में आता है। यहाँ पर जिन उससे अपनी डिजीज के बारे में कुछ बातें शेयर करती है और बताती है कि मैंने ऑनलाइन देखा है किसी की बिल्कुल मेरे जैसी डिजीज थी, और वो एक जगह से ठीक भी हो गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल के बारे में मुझे यही पता चला है कि वहाँ पर एक इल्लीगल डॉक्टर है, इसलिए वो लोग अंडर कवर ही काम करते हैं। लिन बोलता है कि वो भी उसके साथ वहाँ पर जाएगा। एक्चुअली लिन को पता चला था कि जिनको गार्डनिंग का और फ्लावर्स का बहुत शौक है, तो वो उसे गिफ्ट में कुछ सीड्स भी देता है, और वो उससे मजाक में पूछती है कि ये सीड्स से फ्लावर्स उगाऊंगी तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोजल के लिए दोगे। ये सुनकर लिन भी हंसने लगता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि एक दिन वो दोनों उसी हॉस्पिटल में जाने लगते हैं, जहां पर उस इल्लीगल डॉक्टर का थोड़ा क्लू मिला। ये काम रिस्की हो सकता था, लेकिन जिनका कहना था कि पुलिस भी इनके साथ मिली है और मैं किसी को अलर्ट नहीं करना चाहती। अब वो दोनों उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई भी शक करे। उन्होंने ऑनलाइन अपनी बुकिंग कराई थी। यहाँ पर हॉस्पिटल में थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जिन जाते ही उसे अपना वो मार्क दिखाती है, जो कि उसकी रेयर डिजीज को दिखाता था। लेकिन यहीं पर ही वो डॉक्टर से इस हॉस्पिटल के और उसकी प्रैक्टिस के लाइसेंस के बारे में भी पूछने लगती है, जिससे डॉक्टर को उस पर शक हो गया था। और साथ ही साथ उसने जिस पेशेंट का नाम लिया था, और उस पेशेंट का नाम सुनते ही वो इल्लीगल डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाता। अब वो मौका मिलते ही जिन को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन इतने में कुछ ऐसा हो जाता है कि लिन भी वहां आता है और जिन को भागने का मौका देने लगता है। जिन वहां से भागती है, लेकिन वो डॉक्टर रूफ टॉप पर जाकर उसे घेर लेता है।
यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी देर फाइट होती है और उसके बाद वो डॉक्टर जिन को छत से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन उसी समय बायजू वहाँ पर पहुँचता है और आकर जिन की जान बचा लेता है। दाऊ के रिलेटिव डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ था। यहाँ पर जिन बहुत ज्यादा डर रही होती है तो बायजू उससे कहता है कि तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लो और मुझ पर विश्वास रखो। और उसके बाद नीचे गिरता है बायजू और उसके ऊपर जिन बिल्कुल सेफ थी। बायजू की सारी हड्डियां टूट चुकी थी, ये देखकर जिन रोती, लेकिन उससे पहले ही बायजू उठता है और अपनी सारी हड्डियों को क्रैक करते हुए सीधा करने लगता है। और जिस तरह से वो उठा था वो बिल्कुल एक जॉम्बी वाला स्टाइल था। रूफटॉप से गिरते हुए तो वो इतना नहीं डरी थी, लेकिन ये सीन देखकर वो इतना डरती है कि वहीं पे होश हो जाती है। अब जब जिन को होश आता है तो बायजू उसके सामने बैठा हुआ था और वो उसे देखते ही इतना डर जाती है कि अपना फेस ही कवर कर लेती है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, आखिर कोई एलियन हो, तुम्हारे पास ये पावर्स कैसे हैं, तुम मरते क्यों नहीं। वो डरते डरते उससे ये सारा कुछ पूछ रही होती है। इतने में बायजू उसके बिल्कुल क्लोज आकर उससे कहता है कि ऐसी जगह बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए आइंदा ऐसी कोई हरकत करने तुमने अकेले नहीं जाना। इलीगल डॉक्टर और उस हॉस्पिटल के इशू से दूर रहो, क्योंकि इसके साथ बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं। ये ना हो कि तुम अपने मरने के टाइम से पहले ही ऊपर वाले के पास पहुंच जाओ। और साथ ही साथ ये भी वार्निंग उसे देकर जाता है कि जो कुछ भी आज तुमने देखा था यही समझो कि वो एक सपना था और उसे भुला दो। उधर हमें उस इलीगल डॉक्टर को दिखाते हैं, उसको बार बार किसी के मैसेज आ रहे थे और वो भी एक रिसर्च से रिलेटेड। इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उसका दाव से ही लिंक था और वो लोग एक मिस्टीरियस सी मेडिसिन बनाने पर रिसर्च कर रहे थे। फिर हमें बायजू का घर दिखाते हैं जहाँ पर उसके सारे गार्डियंस आपस में मस्ती कर रहे होते हैं कि इतने में उन सारों की बैंड बज जाती है, जब अचानक से दादी ने वहाँ पर एंट्री की थी और दादी बहुत ज्यादा गॉर्जियस थी। और वो आते ही उन सारों पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्होंने यूरोप में बैठे बैठे डार्क वेब पर एक वीडियो देखी थी और वो वही वीडियो थी जो कल बायजू ने जॉम्बी की तरह से दोबारा जिंदा होने की परफॉर्मेंस थी। वो उनको बहुत ज्यादा डांटती है कि तुम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल गए हो, शायद सही से ये मामला क्लीन अप क्यों नहीं किया, ये फुटेज कैसे आउट हो गई, तुम लोगों को यंग मास्टर की सुरक्षा करनी, अपने मिशन से पीछे नहीं हटना। और साथ ही साथ दादी को वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी कि जो लड़की इसके साथ थी जिन, उसका सारा बायोडाटा दो। उसी समय हमें जिन को भी दिखाते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ पर डॉक्टर लेन अपने स्टूडेंट्स के साथ आता है और उसी की डिजीज को एज अ केस स्टडी अपने स्टूडेंट को सिखाने लगता है। उसके बाद वो दोनों बाहर वॉक के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो जिन का थैंक्स भी करता है कि उसकी केस स्टडी बनी, और एज थैंक्स गिविंग वो उसको एक गिफ्ट भी देता है और वो गिफ्ट यही मैसेज देता था कि जिनको अपनी लाइफ की उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। जिन उसका बहुत थैंक्स करती है क्योंकि उसके पास फैमिली तो थी नहीं, बस यही फ्रेंड्स थे जो उसके लिए बहुत प्रेशियस। उसके बाद रियो फेंग अपना एक कारनामा कर रहा होता है। एक्चुअली वो एक राइटर बनना चाहता था, अपना भेस बदल कर किसी तरह से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि एंड टाइम पर वो दादी के हाथों पकड़ा जाता है। यहाँ पर दादी पहले तो उसकी काफी इंसल्ट करती हैं और कहती हैं कि हमारा सारा बिजनेस बायजू का दिया हुआ है और तुमने उसकी सुरक्षा करनी है, लेकिन आगे से रियो फेंग का कहना था कि मेरे से ज्यादा अच्छा ये काम लिन और चैंग भी कर सकते हैं, प्लीज उनको गार्डियन बना दो और मेरी जान छोड़ो। लेकिन दादी कहती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है। और फिर दादी उससे कहती है कि अगर उसका केयरटेकर किसी को बनाना ही है तो वो जिन होनी चाहिए। और फिर दादी के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग फेंग जाता है और जिन को जबरदस्ती किडनैप करता है, वो अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसे सिर्फ इतना ही बोलता है कि एक्चुअली मैं तुमसे फ्रेंड बनना चाहता हूँ। अब यही मौके से फायदा उठाते हुए जिन उससे पूछती है कि जो सीन मैंने एक दो दिन पहले देखा था ये दोबारा से जिंदा हुआ था, ये क्या पहले भी कभी हुआ है। तो फेंग उसे बताता है कि मैंने भी ये सिर्फ दो दफा ही देखा है, एक तुम्हारी दफा और एक उससे पहले जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो एक दफा चैंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किडनैप हो गया था। तब भी ऐसे ही छत से गिरने पर चैंग की जान जाने वाली थी कि वहाँ पर बायजू पहुँच गया था और उसने उसकी जान बचाई थी। सेम ऐसा ही सीन तब भी हुआ था। अब वो उसे बताता है कि एक्चुअली मेरी दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। अब जिन जैसे ही दादी के पास पहुँचती हैं तो वो उससे मिलकर काफी खुश होती हैं और फिर उसे पुरानी फोटोज दिखाने लगती हैं। बायजू के साथ अब की उनकी फोटोज थी जिसमें आनी और उसी फोटो एल्बम में कुछ पुरानी फोटोज भी थी, और वो फोटोज तब की थी जब दादी एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी और बायजू ने उनको गोद में खिलाया था। अब ये फोटोज तो देख जिन हैरान की हैरान रह जाती है। यहाँ पर दादी बताती है कि हमारी लाइफ तो आगे बढ़ती रहती है, मेरी उसके बाद शादी हो गई थी, खुशियाँ आई गम आए, लेकिन बायजू की लाइफ वहीं की वहीं ठहर गई। इसलिए बायजू की लाइफ बहुत बोरिंग थी और अपनी ये इमोर्टैलिटी उसके साथ एक कर्ज की तरह से चलती थी, जिसकी वजह से ना उसे कोई खुशियाँ मिलती थी, ना ही गम और ना ही कोई एक्साइटमेंट। और वो जिन से कहती है कि मैंने देखा है कि अगर किसी ने उसके दिल को छुआ है तो वो तुम हो, और वो जिन से यही एक्सपेक्ट करती थी कि वो उसकी लाइफ में इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर आए। और ये सब करने के लिए वो उसे बहुत बड़ी ऑफर देती हैं। सबसे पहले तो वो उसे कहती हैं एक हैंडसम सी सैलरी के अलावा एक लाइफ इंश्योरेंस भी तुम्हें दी जाएगी, और उसके मरने के बाद एक बहुत बड़ी हैवी पेमेंट थी जो उसके मास्टर को की जाएगी। ये देखकर जिन हैरान रह जाती है।
इतना ज्यादा पैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब आल्दो जिन ऐसा कुछ भी चाहती तो नहीं थी, लेकिन इतना सारा पैसा कैसे रेजिस्ट करती, उसे मानना ही पड़ता है। और उसको उसकी पहली सैलरी तो एडवांस में ही दे दी जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। और ये करने के लिए दादी ने उसे जाते जाते कहा था कि अब तुम्हारा सिर्फ एक ही टास्क है, और वो ये है कि तुमने बाईजू की ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में कलर्स भरने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ही डे फैंग बाईजू के पास जिन को लेकर आता है और उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि आज से हमारे घर में रहेगी क्योंकि ये हमारी नई टेनेंट है। ये देखते ही जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अभी के अभी इसका सामान बाहर उठाकर फेंको। लेकिन फैंग का कहना था कि ये प्रॉपर्टी किसके नेम पर है, ये हमारे नाम पर है, इसलिए हमारा अधिकार है, हम जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे ना रखें। अब बाईजू तो ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है और अपने दिल पर हाथ रखता हुआ पतली गली से गुजरकर दादी को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ उनका ही ऑर्डर चलता था। उधर फेंग जिन को उसका रूम दिखाता है जो कि काफी क्यूट होता है और उसमें उन्होंने उसके लिए कपड़े भी खरीद कर रखे हुए थे, हर फैसिलिटी थी उसके पास। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाईजू वहां पर आता है। दादी को मनाने में तो वो नाकाम रहा था तो उसे ही धमकाने लगता है। पहले तो उसका जमीर जगाता है कि तुम पैसों की खातिर खुद को कैसे बेच सकती हो, ये काम तुम ना लो, यहां से निकल जाओ। लेकिन जब जिन नहीं मानती तो उसके बाद उसे डराने की भी कोशिश करता है कि तुमने मेरा दूसरा रूप देखा ही है ना, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगी। लेकिन जिन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। जितना ज्यादा पैसा उसे मिल रहा था उसी का नशा उसके सर पर सवार था। एक दफा रात को भी किचन में पानी पीते हुए उन दोनों का आमना सामना होता है। उन दोनों को ही एक दूसरे पर शक था कि कोई अटैक ना कर दे, तो वो किचन से कोई ना कोई चीज अपनी सुरक्षा के लिए उठा लेते हैं। अब बाईजू सारी रात उसे तंग करता रहता है क्योंकि साथ वाले कमरे में उसने शोर मचाया हुआ था। अब वो बेचारी सो भी नहीं सकती और जैसे ही सोती है तो सुबह ही सुबह आकर उसे जगाने लग जाता है। और जिन ने तो नींद से उठते ही अपनी सेफ्टी के लिए उस पर अटैक कर दिया था। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर लान शेंग अपने एक फ्रेंड के साथ एक कब्रिस्तान में आती है जिसका नाम लियांग था। उसकी गर्लफ्रेंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और वो उसी की कब्र पर आया था। लड़की का नाम मियाओ था। यहाँ पर अपने फ्रेंड लान शेंग को देखकर जिन भी उनके पास पहुँच जाती है और फोटो देखकर पहचानती है और कहती है कि ये वो लड़की थी जिसका मैंने मेकअप किया था। अब इसके बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक लड़की थी जिसका नाम टान था। थोड़े ही दिनों पहले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और उसको उसके बाद से अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं और बुरे बुरे से ख्याल भी माइंड में आते हैं। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि डोनर की मेमोरीज आपके अंदर आती हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन टैन तो बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, वो जानना चाहती थी कि उसके हार्ट का डोनर कौन है। पर डॉक्टर बताती है कि ये अगेंस्ट दी रूल्स है, हम ये लीक नहीं कर सकते। फेंग और दादी ने मिलकर जिनको घर पर ठहरा तो लिया था, लेकिन आजकल वो सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी क्योंकि जब वो किचन में काम करती थी तो उसका कुलिनरी टेस्ट बाकी सबसे बहुत डिफरेंट था। कभी तो उनको किचन में एक कछुआ पड़ा हुआ मिलता था तो किसी टाइम पर वो टॉड की स्किन को पका रही होती है। और तो और एक दिन बाईजू इतनी बुरी तरह से डर जाता है जब वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी सी गूज आई पड़ी है और ये भी शायद उसने पकाने के लिए ही मंगवाई थी। और ये कुकिंग के बारे में सोच सोच कर उन सबको वॉमिट आने लगती है। इसी बात को बहाना बनाकर बाईजू बहुत कहता है कि अब इसे घर से निकालो, अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी गार्डियंस मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे शांत कराते हैं। और अब बाईजू उसे बदला लेने के लिए ऑर्डर करता है कि ये सारे घर की सफाई करेगी, एकदम चकाचक चमकाएगी। और फिर उस बेचारी को बदले में बहुत सारे काम करने पड़ते और एक दफा तो वो डोर चमकाते चमकाते स्प्रे बाईजू के फेस पर ही कर देती है। उधर टान को दिखाते हैं, उसे पता चलता है कि जिन मॉग में काम करती है तो वो उसी से मिलने के लिए आ जाती है क्योंकि शायद उसे कोई हिंट हो कि कौन सा डोनर था जिसका हार्ट निकाला गया था। लेकिन जिन उसे प्यार से समझाती है कि ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, पर टान थी कि मानती ही नहीं थी तो जिन उससे अब सॉरी करती और वहां से निकल जाती है। लेकिन टान हार मानने वाली नहीं थी, वो दोबारा से मॉर्ज में आना जाना स्टार्ट रखती है। यहाँ पर उसे एक लड़का क्वान भी मिलता है जो कि बहुत डेस्परेट था एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और उसने टान को वी चैट पर ऐड भी कर लिया था। वो जिन का फ्रेंड था। जिन जैसे ही टान को देखती है तो पहचान जाती है कि इसके क्या मोटिव्स हो सकते हैं। वो उसे वार्निंग देती है कि तुम इस लड़की से दूर रहना, लेकिन क्वान को ऐसा लग रहा था कि शायद जिन उससे जेलस हो रही है। अब जिन इसी बात से काफी परेशान थी। रात को बाईजू भी उसके पास आकर बैठा हुआ होता है तो वो उसे बताती है कि एक्चुअली डोनर की इन्फॉर्मेशन रिसिपिएंट को इसलिए नहीं बताई जाती ताकि उसे मेंटली शांत रखा जाए। जब रिसीवर को डोनर का पता नहीं होता तो इस तरह से वो स्ट्रेस से भी दूर रहता है और साथ ही साथ उल्टी उल्टी मेमोरीज भी उसके माइंड में नहीं आती। लेकिन टान के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। वो एक दफा क्वान के थ्रू उनके ऑफिस में भी आ जाती है। जब जिनिये देखती है तो क्वान के साथ साथ टान को भी डांटती है। लेकिन जैसे ही वो चली जाती है तो क्वान चोरी छुपे वहां के एक कंप्यूटर में अपनी एक फ्लैश ड्राइव लगा देती है और उसके बाद जैसे ही वो कंप्यूटर यूज होता है तो वहां का सारा डाटा उसके पास हैक हो जाता है। एक्चुअली वो एक प्रोग्रामर थी और ये सब करना उसके बाएं हाथ का खेल था। अब उसे पता चल जाता है कि वो लड़की मियाओ थी जिसका हार्ट उसे डोनेट किया गया है।
अब अपने फ्लैश ड्राइव निकालने के लिए भी वो अगले दिन ऑफिस में आती है, लेकिन यहाँ पर जिन उसे बार बार वहाँ आते देख गुस्सा करने लगती है। अब वो अपनी फ्लैश ड्राइव निकालती है और क्वान के साथ भी बुरा मनाती हुई वहाँ से निकल जाती है कि जिन ने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। अब जब जिन घर आती है तो उसे पता चलता है कि फैंग आजकल एक नॉवल लिख रहा है, और जब वो नॉवल का थीम देखती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो उसकी और बायजू की एक लव स्टोरी है। वो ये देखकर हैरान लग रही थी क्योंकि उनकी स्टोरी में अभी तक लव का फैक्टर बिल्कुल नहीं दिखता था। उधर हमें क्वान को दिखाते हैं, अब टैन उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, एक्चुअली जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया तो अब क्वान किसी काम का नहीं रहा था। फिर हमें दिखाते हैं कि लियांग की एक कॉफी शॉप थी और वहां पर मियाओ की उसकी पहली दफा मुलाकात हुई थी, और यही से ही आगे आगे उनका प्यार फ्लरिश करने लगा था। ये सारा कुछ टैन ने भी एक ब्लॉग में पढ़ लिया था, और वो भी अपना मेकअप बिल्कुल मियाओ जैसा करती है और उसी कॉफी शॉप पर आ जाती है। उसकी ड्रेसिंग और उसकी हर चीज लियांग को मियाओ की याद दिलाने लगती कि जैसे उसके सामने मियाओ का एक दूसरा जन्म आकर खड़ा हो। अब टैन के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था, उसने लियांग की और मियाओ की लव स्टोरी सारी उसके ब्लॉग्स पर पढ़ ली थी और साथ ही साथ उसी की तरह मेकअप करना भी सीख जाती है। उधर जिन आजकल बहुत परेशान थी, उसे आइडिया हो गया था कि टैन ने डाटा उनके ऑफिस से लीक करा लिया है। अब वो इसी परेशानी में बैठी हुई होती है कि यहाँ पर एक ही शख्स उसके सामने था और वो बायजू था। वो उससे कहती है कि प्लीज तुम किसी तरह से इस इशू में मेरी हेल्प कर दोगे। पहले तो बायजू मानता ही नहीं है, और फिर इन दी एंड इस बात पर मान जाता है जब वो उसे रियलाइज कराती है कि तुम्हारी फेस ब्यूटी का तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अगर तुम चाहो तो मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री में ले सकते हो, मैं तुम्हारी फेशियल केयर भी करूंगी और मसाज भी दिया करूंगी। अब वो इतना मक्खन लगाती है कि इन दी एंड बायजू मान ही जाता है। बायजू का काम बड़ा तेज था और उसने टैन की सारी इन्फॉर्मेशन भी उसका बायोडाटा निकलवा लिया था, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन आकर जिन देखती है तो वो हैरान रह गई थी। उस पर लिखा हुआ था कि इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, लेकिन वो तो बिल्कुल एक सोशल बटरफ्लाई लगती थी। ये सब कुछ इतना ऑपोजिट कैसे हो सकता है, वो हैरान थी। इतने में वहाँ पर वो एक ब्राइडल स्कार्फ देखती है तो उसको बहुत पसंद आता है। अब बायजू अपने हाथों से उसे वही स्कार्फ पहनाता है तो जिन का हार्ट भी फ्लटर करने लगता है। इतने में बायजू उसकी कुछ फोटोज क्लिक करता है क्योंकि ये जिन की फरमाइश थी। अच्छी फोटोज लेने के लिए वो नील डाउन होता है, और ये शायद पहली दफा थी कि इतनी लंबी लाइफ में वो किसी लड़की के लिए अपने घुटनों पर आया हो। वो दोनों यही कह रहे होते हैं कि इतने में कोई ऑफिस में आने लगता है तो वो दोनों छुपकर सोफे के पीछे बैठ जाते हैं। एक्चुअली बायजू नहीं चाहता था कि उसका ये रूप कोई भी और देखे। जिस तरह से वो जिन के साथ घुलने मिलने लगा था, ये वो पहली लड़की थी जो सदियों में उसके सामने आई थी। अब इस तरह से छुपना उन दोनों को हंसा भी देता है। यहाँ पर बायजू पहली दफा दिल से हंसा था, और जिन भी उसे इस तरह से हंसते देख काफी खुश हो जाती है। उधर हमें टैन को दिखाते हैं। शेंग एक दफा लियांग से मिलने के लिए आई होती है तो वो उस पर नजर रखे हुए थी, और जब भी कोई लड़की लियांग के करीब आती थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था। उसकी आंखों में खून उतर आता है और उसके दिल में भी पेन होने लगती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक दिन बायजू बुके उठाए जिन के ऑफिस की तरफ आ रहा होता है जहाँ वो मॉर्च में काम करती थी, लेकिन वो जब सामने से उसे आते हुए देखता है तो वो डॉक्टर लिन के साथ थी और वो दोनों बड़े मजे से बातें कर रहे थे। वो चोरी छुपे उनकी बातें सुनने लगता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्यूरियस था। यहाँ पर जिन लिन को सी ऑफ करते हुए उससे हैंडशेक करती है, और ये सारा कुछ देखकर बायजू बहुत जेलस होता है कि लिन ने इतनी देर से कस के उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ये कैसा ठरकी इंसान है, कब इसका हाथ छोड़ेगा। वेल, जब लिन चला जाता है तो बायजू भी जिन के सामने आता है और फिर उससे ये कह देता है कि मैं तो सिर्फ कब्रिस्तान जाने आया था और वहीं पर ही ये फूल रखने थे। अब जिन भी उसके साथ साथ जाती है तो वो उसे दिखाता है एक बूढ़े से अंकल की ग्रेव थी। वो बताता है कि ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था और ये सोल्जर था, बाद में इसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद वो एक और कब्र पर भी जाता है, वो एक बूढ़ी सी लेडी की थी। जिन उससे पूछती है कि ये क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कहता है एक्स गर्लफ्रेंड तो है पर मेरी नहीं, उस सोल्जर की। अब उस कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के बाद बायजू मॉर्च में जाकर इस तरह से लेट जाता है कि मानो मर गया हो, लेकिन एक्चुअली उसने जिन से फरमाइश की थी कि वो कॉफिन में लेटकर डेथ को एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो रियल में ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। यहाँ पर जिन उससे कहती है कि मेरे मास्टर की एक ही विश है, और वो ये है कि मरने से पहले मेरी लाइफ में कोई लड़का आए जिसके साथ मैं डेट पर जाऊँ, इंजॉय करूँ, मेरी लाइफ में भी प्यार आए। लेकिन बायजू आगे से कहता है कि ठीक है कोई आ भी जाए, लेकिन क्या तुम्हारे मास्टर ने ये सोचा है कि वो मिस्टर हूएवर तुम्हारे मरने के बाद उसका क्या होगा, क्या तुम्हारे जाने के बाद वो दिल से तुम्हें निकाल पाएगा, तुम्हें भूल के आगे मूव कर सकेगा। अब ये बात वाकई हैरान कर देने वाली थी। जिन उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है, लेकिन बायजू का कहना था कि अगर मुझे हुआ है तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से था या फिर अपने गार्डियन, यानी कि उसकी इतनी लंबी लाइफ में कभी उसे प्यार नहीं हुआ और उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अब ये सुनकर तो जिन सरप्राइज रह जाती और इसी बारे में उससे और भी बातें पूछने लगती है। तो अब यहाँ पर जिन बायजू से कहती है कि जैसा कि हम दोनों ही नॉर्मल इंसान नहीं है, ना तुमने किसी को पहले कभी डेट किया है और ना ही मैंने, तो क्यों ना तुम मुझे डेट करके ट्राई ही कर लो। और ये बात सुनते ही बायजू की दिल की धड़कनें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, और वो उसका हाथ पकड़कर फौरन से दोबारा कॉफिन में लेट जाता है।
अब यहाँ पर ऊपर से जिन के मास्टर आ जाते हैं और उनको देखते ही उसने बाइजू को वहाँ से छुपा दिया था। और मास्टर के चले जाने के बाद जब जिन मुड़ती है तो यहाँ पर बाइजू उसे एक दफा फिर से डरा देता है। अब उसके बाद जब जिन रात को घर पर होती है तो फेंग उसके पास आकर उसे इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है कि पिछले 100 साल में तुम वो पहली केयर टेकर हो जो कि हमारी फैमिली से बाहर बाइजू का ख्याल रख रही है। और उसका ये भी ऑर्डर था कि जो 2 घंटे जिसमें वो डेविल बनता है 11 से 1 बजे तक, तब तुम उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली ये सारा कुछ फेंग इसलिए कर रहा था क्योंकि आज रात उसने प्लान बनाया था कि वो जिन को वहाँ से डरा कर भगाना चाहता है। उसे पता चल गया था कि 1 साल से पहले ये लड़की मर जाएगी और दोबारा से मुझे वही अपनी बोरिंग ड्यूटी करनी पड़ेगी जो कि हमारी सारी पीढ़ियाँ करती आ रही हैं। अब 11 बजे जब जिन उस कमरे में जाती है तो उसी टाइम पर बायू एक डेविल में बदल चुका था और वो उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है। पहले तो वो ये सारा समय अपने हाइबरनेशन चैम्बर में गुजारता था लेकिन आज फेंग ने वो चैम्बर बंद कर दिया था। यहाँ एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब बाइजू जिन को मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर जिन बाइजू को बहुत प्यार से बुलाती है और उसके अंदर के स्वीट इंसान को उभारने की कोशिश करती है। बाहर बैठे चैंग को और फेंग को ऐसा लगा था कि शायद अब वो मारी गई है इसलिए आवाज़ें आना बंद हो गई हैं, लेकिन इनफैक्ट जिन ने बाइजू को दोबारा से नॉर्मल कर दिया था। यहाँ पर बाइजू को भी साफ समझ आ जाती है कि आज फेंग ने कौन सी चाल चली थी। एक्चुअली वो चाहता था कि जिन डर के यहाँ से भाग जाए या फिर मारी जाए और उसके बाद उसकी पोजीशन चैंग को संभालनी पड़े और वो आज़ाद हो जाए। यहाँ पर बाइजू पहली दफ़ा जिन को बताता है कि बेशक मैं इमॉर्टल हूँ लेकिन जब भी मेरे में बदलाव आता है मुझे बहुत पेन होती है, मुझे लगता है कि जैसे मेरी हर हर नर्व ब्लास्ट हो रही है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली वो एक सोल्जर हुआ करता था। एक दफ़ा वो पैराशूट से नीचे उतर रहा था कि एक मैजिकल पत्थर से उसका सर टकराया था। उसमें से एक स्पेशल सी लाइट निकली थी जिसके बाद उसके हर घाव ठीक हो गए थे और उसके बाद उसे फेंग के दादा मिले थे जिन्होंने उसका ख्याल रखा था। और यहीं पर ही एक और हादसा होता है, एक एवलांश था और उससे वो दादाजी की जान भी बचाता है जिसके बाद से वो लोग उसके गार्डियन बन गए थे और उनका सीक्रेट उन्होंने अपना लिया था और पीढ़ियों में चलता आ रहा था। अब यहाँ पर आगे से जिन उसे कहती है कि आप से तुम्हारी गार्डियन मैं हूँ, तुम मेरे हाथों में हो और मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए, लेकिन बाइजू का कहना था कि मैं 100 साल से ज़्यादा जी चुका हूँ, 1 साल से कम अरसा है तुम्हारे पास जीने के लिए और ये छोटा सा टाइम मेरे लिए एक ब्लिंक ऑफ आई के बराबर है, इसमें तुम क्या कर सकती हो, क्या बदल सकती हो। लेकिन जिन का कहना था मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं, क्यों ना इस 1 साल को यूज़ करके हम दोनों मिलकर कोई क्लू तलाश करें। लेकिन बाइजू को उसका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ जिन उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है, उसे पीछे से आकर हक भी कर लेती है और कहती है कि प्लीज़ मान जाओ। पहले तो वो उसे बातें सुनाता है पर इन दी एंड वो मान ही जाता है। और जैसे ही कोई कमरे में आने लगता है तो वो दोनों ऐसे नॉर्मल होकर बैठ जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर इस कारनामे की सजा के तौर पर दादी फेंग के सारे कार्ड्स को काट कर फेंक देती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिनको एक जगह पर लियांग और डैन इकट्ठे बैठे दिखाई देते हैं। उसे समझ आ जाती है कि इसने सारा क्लू निकाल लिया है और अब अपने दिल की डोनर के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही है। वो उसे लड़ने जाती उससे पहले ही बाइजू से संभाल लेता है और बाइजू से कहता है तुम क्या उससे जाकर एक दंगल स्टार्ट कर रही हो, तुम तो खुद मरने वाली हो। और वो लड़की उसकी नई नई हार्ट की सर्जरी हुई है, अंजाम में तुम दोनों जल्दी मर जाओगी अपने टाइम आने से पहले, इसलिए चलो आओ हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे। उधर लियांग आज बातों ही बातों में टैन को बताता है कि मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं मियाओ की यादों से दूर भाग रहा हूँ। ये सुनकर टैन को बहुत गुस्सा आता है और उसके दिल में दोबारा से पेन होने लगती है। और उधर जिन अपनी फ्रेंड लान के साथ मिलकर टैन के हॉस्टल में जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसे पता चलता है कि पहले वो एक बहुत काइंड और स्वीट सी लड़की हुआ करती थी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन अब तो वो हॉस्टल में भी कम आती है, कहीं और ही दुनिया में रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है जब से उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है। ये बात उन दोनों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि फेंग की कंपनी ने एक रिसर्च में अपनी डोनेशंस की हैं और इत्तेफाक से उस रिसर्च का हेड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लिन होता है। अब वो लोग पब्लिसिटी के लिए डॉक्टर लिन की बहुत सारी फोटोशूट कर रहे होते हैं और यहाँ पर जिन भी आई हुई होती है। और यहीं से ही बाइजू और फेंग के साथियों को पता चल जाता है कि लिन और जिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद लियांग एक लास्ट टाइम मियाओ की ग्रेव पर आता है क्योंकि अब वो ये शहर छोड़ कर जाने लगा था। वो बहुत सैड वहाँ पर बैठा हुआ होता है कि इतने में पीछे से कोई आता है और लियांग जैसे ही उसे देखता है वो उसे किडनैप कर लेते हैं। उधर बाइजू भी जिनके दिए हुए टास्क पर काम कर रहा था और वो टान के रूम तक पहुंच चुका था जहां पर वो देखता है कि जगह जगह उसने लियान की फोटोज़ लगाई हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे या तो वो उसे किडनैप करना चाहती है या फिर एक सीरियल मर्डरर है।
अब बायजू फौरन से जिन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे ये सारा कुछ बताता है। अब जब तक जिन वहाँ पर पहुँचती है, उससे पहले ही हमें दिखाते हैं कि लियान को टैन ने किडनैप करके अपने घर पर बांधा हुआ है। और अब लियान को समझ आती है कि ये लड़की एक साइकोपैथ है, क्योंकि वो उसे बताती है कि मेरे अंदर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का दिल है। तुम ये ना समझो कि मियाओ मर गई है, मियाओ जिंदा है और मेरे शरीर में उसी का दिल धड़क रहा है। अब लियान को समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद से इसकी जान कैसे छुड़ाए, तो वो नाटक करने लगता है कि तुम मेरे हाथ खोलो, मैं भी तुमसे प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर टैन को सब समझ आ गई थी कि ये सिर्फ मुझसे छूटना चाहता है। उसे इज्जत उठाती है और उस पर हमला करने लगती है, और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली उसके अंदर मियाओ की आत्मा घुसी हुई थी। अब थैंक्स गॉड एंड टाइम पर जिन और बायजू वहाँ पहुँच जाते हैं और टैन को कैद कर लेते हैं। अब लियांग टैन को कहता है कि तुमने मियाओ को खुद पर वश नहीं होने, कि तुमने खुद को मियाओ के वश में नहीं जाने देना, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम खुद से जियोगी। और सॉरी, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो मियाओ थी, तुम वो नहीं हो सकती। और फिर इसके बाद लियांग वो शहर छोड़कर चला जाता है। अब टैन भी खुद में बदलाव चाहती थी, तो इस मामले में जिन भी उसकी बहुत हेल्प करती है और वो साइकेट्रिस्ट के सेशन भी ले रही थी। अब यहाँ पर टैन से मिलने के लिए क्वान आता है, जो वाकई उसे लाइक करता था और उसके लिए बुके भी लेकर आता है। और फिर हमें एक और कपल को दिखाते हैं। फेंग आजकल डॉक्टर लान से बहुत दोस्ती बढ़ाने लगा था, उनकी अक्सर मुलाकात होती थी और वो एक साथ समय भी बिताते थे, लेकिन फेंग शायद अभी तक इस रिलेशनशिप के लिए कोई सीरियसनेस नहीं रखता था। इतने में हमें घर का सीन दिखाते हैं। बायजू और जिन दोनों मिलकर एक केक बना रहे होते हैं। आज उन दोनों की बर्थडे थी। आज से पहले बायजू ने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, तो आज जिन के कहने पर वो एक क्राउन पहन ही लेता है। और जब कैंडल ब्लो करने की बारी आती है, तो जिन कहती है कि मेरी एक ही विश है कि मैं किसी को डेट करूं, किसी से रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहती हूं। अब बायजू उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझे लाइक नहीं करती, तुम बस मरने से पहले एक दफ़ा डेट करना चाहती हो और मुझे इसलिए एक ऑप्शन के तौर पर देख रही हो क्योंकि ना तुम नॉर्मल हो और ना ही मैं। और वो ये कहकर इनकार करने वाला होता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में सिंसेरिटी नहीं दिखती। लेकिन जिन का कहना था मान जाओ मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम सिर्फ मेरे लिए, और उसे विश्वास दिलाने के लिए वो उसे किस भी कर लेती है। अब लग रहा था कि जैसे बायजू की तरफ से भी एक यस है, अपनी लंबी लाइफ में उसे पहली दफ़ा किसी के लिए फीलिंग्स जागी थी। अब ये होने के बाद नेक्स्ट डे जब दोनों नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं, तो एक दूसरे को देखकर बहुत शर्मा रहे होते हैं, और जिन बहुत प्यार से जाकर नाश्ते में उसके लिए एग भी फ्राई करके लाती है। यहाँ पर बायजू उससे कहता है कि जो मिस्टीरियस मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं, अगर हमने उनको पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए भी एक इलाज मिल जाएगा, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो ये याद रखो कि तुम्हारे मास्टर का तुम्हारे मरने के बाद पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर उधर हमें दिखाते हैं कि मौज के पास जो कब्रिस्तान था, उसमें ड्यूटी देने के लिए आज एक नया गार्ड आता है जो कि बहुत डरा हुआ था। लेकिन मज़े की बात है कि उसने पहले ही दिन वहाँ पर एक घोस्ट को भी देख लिया था। एक बूढ़ी सी लेडी वहाँ पर बाल बिखेरे फिर रही थी, उसे देखते ही वो बेहोश हो जाता है। अब ये बात सारे मॉर्च में फैल गई थी और सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं। बहुत से कोलीग्स तो वहाँ पर डर भी गए थे, तो इसी डर को भगाने के लिए मास्टर कहते हैं कि आज क्वान और उसका फ्रेंड ड्यूटी देने के लिए जाएंगे। अब वो लोग यही सोच कर जाते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन वहाँ जाकर इतना डरते हैं, रात को कब्रिस्तान में उनको भी वही आंटी दिखाई दी थी जो घोस्ट बने हर तरफ फिर रही थी, और बस फिर उनसे भागते भागते वो अपनी टांगे भी तुड़वा बैठते हैं। और मास्टर को तो ये बात सुनते ही फीवर हो गया था, और वो तो लेट जाते हैं कि उनको ना जाना पड़े। तो यहाँ पर जिन कहती है कि कल रात को मैं जाकर ड्यूटी दूंगी, और उसके बाद रात को वो बायजू के पास जाती है, और जो दो घंटे उसने उसके साथ बिताने होते हैं वो रोजाना उसके साथ ही बैठी रहती है। आज वो उसे बातों बातों में बहुत छेड़ती भी है, देखो मैं एक यंग सी लड़की हूँ और तुम 100 साल से ज्यादा के बुड्ढे, हम दोनों के मिजाज कैसे मिल सकते हैं क्योंकि मैं एक मॉडर्न फ्रेश ब्लड हूँ और तुम एक एंटीक। वाली इसी तरह से उनकी शरारतें चलती रहती हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब जिन अपने काम पर जाती हैं, तो 3 बीमार लोग उसके सामने नमूने बने बैठे थे, और आज रात उसने ड्यूटी देने के लिए जाना था। लोग उसे रोकने और डराने की तो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जिन बहुत डिटर्मिंड थी। इतने में चैंग बायजू के पास आता है। एक्चुअली वो बहुत सैड था, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि उसे गार्डियन की ड्यूटी से हटा दिया गया है, वो सबसे ज़्यादा सिंसेयर गार्डियन था अब तक बायजू का। वो जाकर जिन के खिलाफ बातें करने लगता है और कहता है कि वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिकेगी, और वैसे भी शायद आपको वो खुश कर रही है अपनी मीठी मीठी बातों से, लेकिन वो आपको डेट भी नहीं करेगी और आज रात आपके पास बैठेगी भी नहीं, क्योंकि उसने हॉस्पिटल से सुन लिया था कि वो डॉक्टर लिन के साथ आज रात कब्रिस्तान में ड्यूटी देगी। तो आज रात को जब वो दोनों ड्यूटी पर बैठे हुए होते हैं, तो फाइनली वो उस घोस्ट को पकड़ ही लेते हैं, जो एक्चुअली एक घोस्ट नहीं थी बल्कि लेडी थी जो हॉस्पिटल से भागी हुई थी और रोजाना रात को एक ग्रेव को देखने के लिए आती थी जो कि उनके हस्बैंड की थी। तो अब फाइनली उस भूत का किस्सा तो खत्म होता है, और इसका सारा क्रेडिट लिन को और जिन को जाता था। अब जब जिन वापस आती है, तो वो देखती है कि बायजू ने खुद को एक चैम्बर के साथ टाई किया हुआ था ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। उसे पता था कि आज जिन नहीं आएगी।
लेकिन वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि जिन एंड टाइम पर वहाँ पहुँच जाती है। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि डॉक्टर लिन और जिन दोनों गार्डन में बैठे हुए होते हैं। जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक था तो वो उनको फूलों से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी बताती है। और यहीं पर ही बातें करते करते लिन थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि जिन थोड़े ही दिनों की मेहमान है, पता नहीं तब तक उसकी बीमारी का क्योर कोई मिलेगा कि नहीं, वो यही सोचकर परेशान था। यहाँ पर बातों बातों में डॉक्टर लिन बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है, लेकिन यहाँ पर कोई उनकी वीडियो बना लेता है और वो चैंग था। और यही वीडियो जाकर वो दिखाता है सीधा बाईजू को और कहता है कि देखा, वो डबल गेम खेल रही है, इधर तुम्हें कुछ रखती है और दूसरी तरफ वो असल में लिन को चाहती है, तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ पैसे के लिए काम करती है। अब बाईजू का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था और जैसे ही रात को जिन वापस आती है अपने काम से तो वो उसके साथ बैठकर कुछ खेलना चाहती थी, एक नई गेम। लेकिन बाईजू का मूड बहुत ऑफ था, वो कभी दाईं तो कभी बाईं इधर उधर की बातें करता है और उस पर टॉन्ट करता रहता है। वो उसे आज के दिन की डिटेल में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा था। यहाँ पर जिन उससे कहती है कि तुम एज अ बॉयफ्रेंड पूछ रहे हो या फिर सिर्फ फ्रेंड। एक्चुअली वो दोनों ऑफिशियली अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बने थे, लेकिन बाईजू की जेलसी अभी भी उतनी ही पीक पर थी जैसे एक बॉयफ्रेंड की होती है। तो यहाँ पर बाईजू डायरेक्ट भी उससे पूछ लेता है कि आज तुम लिन के साथ थी। अब ये सुनकर जिन को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहती है कि हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं और मैंने तुम्हें डायरेक्टली कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हें डेट करना चाहती हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं। अब यहाँ पर वो दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ों में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बैक टू बैक आंसर्स दिए जा रहे थे। और इनकी बातें सुनकर अंदर बैठे लोग बहुत खुश होते हैं कि आज इनकी लड़ाई के बाद ऐसा ही हो कि जिन ये घर छोड़कर चली जाए और बाईजू के वही पुराने वाले गार्डियन बन जाए और चैंग को वापस काम मिल जाए। अब उससे लड़ते लड़ते गुस्से में बाईजू अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है, लेकिन रात के 11 बजने वाले थे जिनको उसकी फिक्र होने लगती है। पर आज की रात तो वो लगता है कि हाइबरनेशन चैम्बर में ही काटेगा क्योंकि वो ज़्यादा नाराज़ हो गया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब दादी को उनकी रात की लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो जिनको अपने साथ बाहर कॉफ़ी पर लेकर जाती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रही हो और बाईजू के दिल को तुमने छुआ है। लेकिन वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। दादी का कहना था अंडरस्टैंड करना कौन सा ज़रूरी है, मैं भी आज तक अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, लेकिन हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। यहाँ पर जिन दादी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बाईजू मुझसे वाकई प्यार करता है या फिर सिर्फ मैं उसकी एक ज़रूरत हूँ। वो बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आती है तो दादी उसे कहती हैं कि प्लीज़ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करो। यहाँ पर दादी जिनको और भी बहुत सी बातें बताती हैं, वो कहती हैं कि बाईजू की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रही है, उसने बहुत दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की, इवन कि उसके हार्ट में अक्सर पेन होता है, ये पेन इतना तकलीफ दे है कि वो चाहता था कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी नहीं आती थी, इसलिए वो बस अपनी हड्डियाँ तोड़कर या ख़ुद को कोई और तकलीफ़ देकर अपने दिल की तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करता रहता था। यहाँ पर दादी उसे कहती हैं कि जब तक मैं उसकी गार्डियन थी तब सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैंने देखा है कि ये स्पेल मेरी जनरेशन में नहीं चलेगा, बल्कि मैंने तुम में वो ख़ास बात देखी है कि तुम उसका अच्छा ख्याल रख सकती हो, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी सुरक्षा में दिया है और अब तुम नहीं उसकी पेन को कम करना है और उसे संभालना है। अब जिनको समझ आती है कि एक्चुअली बाईजू की लाइफ एक डिज़ास्टर है और उसे तो मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, उधर बाईजू को भी अपने हार्ट में बहुत पेन होती है जब वो ये सब लड़ाई को याद करता है जो जिन ने उसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक ज़रूरत हूँ और एज अ पेन किलर उस डेविल रूप से बचने के लिए तुम मुझे रोज़ाना यूज़ करते हो। अब वो खुद की पेन को कम करने के लिए टब में घुस जाता है, इतने में ऊपर से जिन आती है और उसे पानी से बाहर निकालती है, उसे शांत कराती है। और यहाँ पर जिन उसे विश्वास दिलाती है कि मैं वाकई तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं किसी नोबल फैमिली से नहीं लेकिन मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं, और उससे सॉरी भी करती है कि मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया और तुम्हारी तकलीफ को और तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया। लेकिन बाईजू को अभी भी उस पर विश्वास नहीं आ रहा था तो वो उसे यकीन दिलाती है, उसे किस करती है और ये किस वाकई बाईजू को उसके प्यार का यकीन दिला देती है और वो उसे माफ़ भी कर देता है और कहते हैं कि अब से हम एक दूसरे का इलाज तलाश करने की इकट्ठी कोशिश करेंगे। और फिर हमें फैंग को दिखाते हैं, वो बहुत ही नॉन सीरियस इंसान था, उसकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रही थी और अक्सर उनका एक दूसरे से जब आमना सामना होता था तो वो काफ़ी तमाशा भी लगाती थी। और फिर उसके बाद हमें डॉक्टर लिन को दिखाते हैं, वो एक्चुअली आज बहुत नर्वस नज़र आ रहा था क्योंकि उसने एक चैरिटी इवेंट पर जाना था जो कि फैंग की कंपनी ने अरेंज किया था और वही वहाँ का मेन प्रोफेसर था तो उसको ही अपनी रिसर्च से रिलेटेड वहाँ पर ब्रीफिंग भी देनी थी। अब ऑफिस में उसी इवेंट की तैयारियाँ चल रही होती हैं जबकि उधर दादी बार बार जिन को नई से नई टिप्स देती थी ताकि वो किसी तरह से बाईजू के दिल को जीतने की और भी कोशिश करे। जबकि उधर बाईजू ऑफिस में जब डॉक्टर लिन को देखता है तो वो तो उसे बिल्कुल अपने एक रोमांटिक राइवल की नज़र से देखता था और उससे जिस तरह से हैंडशेक करता है उसका बहुत क्यूट स्टाइल था। अब डॉक्टर लिन की तो बाईजू से ये पहली मुलाकात थी लेकिन बाईजू वो उससे बहुत जेलस हो रहा था क्योंकि उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी तो बिताए थे।
अब बाईजू डॉक्टर लिन को एक ड्रेस ट्राई करने को कहता है। वो बड़ा मॉडर्न टाइप का ड्रेस था। वो पहनकर जब वो चलता हुआ आ रहा होता है तो वो फिसलता है और बाईजू से संभाल लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया है, और ऊपर से मजे की बात है कि वहां पर जिन भी आ जाती है और उन दोनों को इस तरह से इकट्ठे देखकर वो काफी शर्मा जाती है, और उसकी मीनिंगफुल सी हंसी को देखकर वो दोनों लड़के भी एम्बैरस हो जाते हैं। अब उसके बाद जिन सीधा जाती है फैंग और चैंग के पास और उनसे पूछने लगती है कि बाईजू किस टाइप का लड़का है, तुम लोग तो बहुत अरसे से उसे जानते हो, क्या उसे बॉयज में इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो भी हंसने लगते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो एक ट्रू जेंटलमैन है। और उसके बाद हमें उन्हीं आंटी जीयू को दिखाते हैं जो एक्चुअली घोस्ट बनकर पहले कब्रिस्तान में फिर रही थी। उनको लास्ट स्टेज का कैंसर था और उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी लाइफ बचेगी। अब अपना सारा दिन काम कंप्लीट करने के बाद जिन रात को अपनी ड्यूटी देने के लिए बाईजू के पास पहुंच जाती है। वो उसे मजाक करने लगता है और कहता है कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा मैं अपने सारे एसेट्स अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम करके जाऊंगा। अब जिन भी हंसने लगती है और मजाक में कंटिन्यू करती है, ठीक है फिर उसके बाद मैं भी दूसरी शादी कर लूंगी। अब उसकी ये बात सुनते ही बाईजू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे दिल को अच्छे से जानता हूँ, मुझे पहले ही शक है कि तुम्हारा क्रश मुझ पर नहीं एक्चुअली डॉक्टर लिन पर है। तो अब इसी तरह से मजाक मजाक में लड़ाई होने लगती है और जिन उसे शांत करने के लिए उसे मेकअप भी करती है और साथ ही साथ उसका मसाज भी। और यहीं पर ही बाईजू को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे एक फर्स्ट लव हुआ था और वो लव था 1935 में एक बार की सिंगर से। वो उसके गाने सुना करता था और उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके थे। और थोड़े अरसे पहले ही उसे वो दोबारा नजर आई थी उसके फ्यूनरल पर, और उसकी डेड बॉडी का मेकअप भी जिन ने ही किया था। और यहीं पर ही बाईजू ने जिन को देखा था, वो उससे टकराई थी और बाईजू ने उसे संभाला भी था। आजकल कंपनी में उनकी एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही होती हैं। चैंग भी इसी सब में बिजी था। इतने में उसके पास फैंग की एक एक्स गर्लफ्रेंड आती है जो उससे पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि एनिवर्सरी की पार्टी में सबका कोई ना कोई डांसिंग पार्टनर होगा। वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि फैंग की डांसिंग पार्टनर कौन सी लड़की होगी। अब चैंग को तो जिन पर काफी गुस्सा था। वो ऐसा करता है कि शरारत में उसी का नाम एक्स गर्लफ्रेंड के सामने ले देता है। अब वो लड़की यही समझेगी कि जिन फैंग के पीछे है और वो उसे तंग करने की कोशिश करेगी। अब वो लड़की जिन की फोटो के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसे फैंग के साथ डॉक्टर लान दिखाई देती है। वो हैरान थी कि ये तो जिन की फोटो है लेकिन ये दो दो लड़कियों के साथ है। उसे भी अजीब अजीब से शक होने लगते हैं। और उसके बाद हमें चैंग को दिखाते हैं। उन लोगों ने एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को अपनी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर रखना था। वो उसी की सेक्रेटरी से मुलाकात कर रहा था, लेकिन वो सेलिब्रिटी यांग वो बहुत डिफिकल्ट टाइप की इंसान थी। उसने कहा था कि पहले मैं आप लोगों का स्टोर और आप लोगों के ड्रेसेस को विजिट करूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। बाईजू उस मिस्टीरियस सी मेडिसिन के बारे में आजकल बहुत रिसर्च कर रहा होता है। उसे इतनी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल गई थी कि वो लोग उस मेडिसिन को अपग्रेड कर रहे हैं और एक मीटियोराइट के साथ मिलकर उस मेडिसिन को बनाया जाता है। ये वही मीटियोराइट था जिसे हमने देखा था बहुत अरसा पहले बाईजू टकराया था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। आंटी जीयू की बेटी बहुत परेशान बैठी हुई थी। उनका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव था और इसके साथ साथ उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर एक लेडी उसके पास आती है और उसे कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड की भी यही हालत थी, लेकिन मैंने उसे एक स्मॉल से क्लिनिक से एक सस्ती सी मेडिसिन लेकर दी थी जिसके बाद अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम चाहो तो अपनी मॉम पर भी ये ट्राई कर सकती हो। अब आंटी जीयू की बेटी भी वो मेडिसिन लेकर आ जाती है और रेगुलरली वही मेडिसिन अब आंटी जीयू को दी जा रही थी। उधर मॉडल यांग जब कंपनी में आती है तो उसे ड्रेसेस में कम लेकिन बाईजू में ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, जो उसको अपने डिफरेंट ड्रेसेस की इंटरेस्टिंग टाइप की डिस्क्रिप्शन दिए जा रहा था। यहाँ पर देखकर लग रहा था कि यांग का बाईजू पर क्रश आ गया है। उधर जिन आज आंटी जीयू से मिलती है जो कि अब बिल्कुल हेल्दी लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका कैंसर ठीक होता जा रहा है। जिन हैरान थी क्योंकि ये चीज बहुत मिस्टीरियस थी। अब इसके बाद जिन जब 11 बजे बाईजू के पास आती है तो उसने वही म्यूजिक लगाया हुआ था, वही सॉन्ग जो उसकी फर्स्ट लव का था। अब वो जिन के साथ मिलकर कपल डांस करने लगता है। जिनको डांस नहीं आता था तो वो बहुत प्यार से उसे डांस सिखाता है और यहाँ पर उन दोनों के बहुत से स्वीट स्वीट से मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। वो दोनों काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और उनके म्यूजिक की आवाजें जिस तरह से बाहर तक आ रही थी, चैंग ये सुनकर बहुत जेलस होता है और फैंग से कहता है कि ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, ये बाईजू को अपनी आदत डालेगी और उसके बाद जब ये मर जाएगी तो बाईजू तकलीफ में रहेगा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि आंटी जीयू अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई क्योंकि उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका था। जिन ने भी उनके ड्रॉअर से चोरी चोरी वो मेडिसिन चुरा ली थी जो उनकी बेटी उनको दिया करती थी। यही मेडिसिन वो बाईजू के पास लेकर आती है और कहती है कि इस पर रिसर्च करना।
उधर आंटी जियो अब डिस्चार्ज तो हो गई थी, लेकिन वो ठीक बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत वायोलेंट हो गई थी। कभी कभी तो उसने बर्ड को एक सालन की शक्ल में पकाया हुआ होता था, तो कभी अपने नेबर्स के कुत्ते को जाकर मार देती है जो शोर करता था। एक दिन इस तरह से वो गुस्से में आकर अपनी बेटी पर भी मर्डर अटेम्प्ट करती है। लेकिन तब तक बायजू को उस मेडिसिन के असर के बारे में पता चल गया था और वो आंटी जियो को एंड टाइम पर आकर रोक लेता है और उनकी बेटी की जान बचाता है। और यहाँ पर जिन फिर उनकी बेटी को समझाती है कि तुम्हें फंसाया गया है, वो एक स्कैम था। वो लेडी जानबूझकर तुम्हें ये बातें कहने आई थी क्योंकि वो लोग तुम्हारी मम्मी को भी अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना चाहते थे। उधर मॉडल यांग ने कहा था कि अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए वो बायजू से मिलना चाहती है और उसे एक बहुत ही महंगे से रेस्टोरेंट में बुलाती है जहाँ की मेंबरशिप सिर्फ खास खास लोगों के पास होती है। अब चैंग जिनको जेलस कराने के लिए ये बात उसको भी बता देता है। अब जिन बहुत परेशान थी, उसका बॉयफ्रेंड एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ जा रहा है, ऑफकोर्स वो परेशान तो होगी, जेलसी भी होगी, लेकिन बिना मेंबरशिप के उस रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती थी। इतने में अचानक से वो देखती है तो डॉक्टर लिन के मूवमेंट्स पर उसे नजर आता है कि उसके पास भी उसी रेस्टोरेंट की मेंबरशिप है। अब वो उससे कॉन्टैक्ट करती है और कहती है कि मेरी एक विश है और वो ये है कि मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहती हूँ। अब लिन भी उसकी विश पूरी करने के लिए उसे वहीं पर ही साथ ले जाता है। जिन के पास कोई ब्रांडेड ड्रेस नहीं था, उसने अपने नाइट गाउन को ही किसी तरह से मॉडिफाई किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब ये चीज़ डॉक्टर लिन देखता है तो आता है और अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। जबकि उधर बायजू वो अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ चैंग को और फेंग को भी लेकर आया था। अब जिन भी प्राइवेट रूम्स में किसी तरह से ढूंढती ढूंढती उनको देख ही लेती है और यहाँ पर वो देखती है कि किस तरह से वो सेलिब्रिटी बायजू से मीठी मीठी बातें कर रही है और वो दोनों एक ही लेवल पर लग रहे थे, दोनों साथ में इकट्ठे भी लग रहे थे और वहाँ पर मौजूद वेटर भी यही बातें कर रहे होते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर ऑफकोर्स जिन को इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स भी होता है और जेलस भी। अब उसके बाद जब वो खाना खत्म करने के बाद सारे बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर लिन के साथ जिन को जब बायजू देखता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और एंड पर बायजू और जिन ही आमने सामने रह जाते हैं। बायजू को इतना गुस्सा था कि वो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता था। अब बायजू जिन को अपने घर वापस तो ले आता है और वहाँ पर जाकर उस पर बहुत गुस्सा भी करता है जब देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने डॉक्टर लिन का कोट पहना हुआ है। उस कोट को उतारता है और उतार कर फेंक देता है। अब इतना जेलस था, इतना पजेसिव था कि अपना कोट उतार कर उसे पहना देता है। यहाँ पर जिन भी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे दादी ने सब कुछ सच बता दिया हुआ है। एक्चुअली बायजू का एक सीक्रेट था और वो यही था कि जब जिन की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वो खुद को जिंदा नहीं रखेगा, बल्कि किसी ना किसी दर्दनाक और तकलीफ देने वाले तरीके से वो खुद को मारने की कोशिश करता रहेगा। शायद किसी दिन उसकी ये अटेम्प्ट कम्प्लीट हो जाए। जिन उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके मरने के बाद बायजू जिंदा ना रहे या खुश ना रहे। वो उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा ही करने का प्लान किया है तो फिर हम आज ही ब्रेकअप कर लेते हैं। और फिर इसी के साथ ही उनकी ये लड़ाई ब्रेकअप पर ख़त्म होती है। और उसके बाद अगले दिन नाश्ते की टेबल पर भी वो दोनों एक दूसरे को बातें सुनाते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। अपने काम पर जाते हुए भी गेट से कौन पहले बाहर निकलेगा इस बात पर भी एक दूसरे को धक्के देते रहते हैं। फेंग बायजू को यही मशवरा देता है कि देखो मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स बनी आती जाती रहती हैं, इसलिए तुम भी जिनको दिल पर ना लो, कोई बात नहीं, तुम यांग के बारे में सोचो। और यांग ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो बायजू को एनिवर्सरी में अपना डांस पार्टनर बनाना चाहती है। अब ऑफ कोर्स बायजू भी ये बात मान जाता है क्योंकि उसने भी तो जिन को जेलस कराना था और उसे मूव ऑन करना था। अब ये सारी बातें तो साइड पर, लेकिन रात को तो बायजू को जिन की बहुत ज़रूरत थी। 11 बजने वाले थे लेकिन वो थी कि उसे भाव ही नहीं दे रही होती। इतने में फेंग आकर बायजू को मशवरा देता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम प्यार से उसका हाथ पकड़ो, किसी भी तरह का फिजिकल टच ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो जाता है, देखता है जिन ने वार्म वाटर में अपने पैर रखे हुए होते हैं, तो वहीं पर ही उसके पैरों से वो खुद को टच कर लेता है और इस तरह से वो म्यूटेट होने से बच सकता था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर लिन जिन को अपने साथ एक जगह लंच पर लेकर जाता है। जिन उसे बातों बातों में बताती है कि एक मेरा बॉयफ्रेंड तो है लेकिन आजकल मेरी उससे लड़ाई चल रही है। अब लिन वहीं पर ही उसे कहता है कि देखो जिन, मैं सच बताऊंगा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा जो कोई भी फैसला हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि लाइक करने को मैं नहीं रोक सकता। इसके बदले चाहे तुम मुझसे अपनी फ्रेंडशिप भी खत्म करना चाहो, मुझे कबूल है, लेकिन सच में तुम्हें बता दिया है। जिन्हों से कहती है कि एज अ बॉयफ्रेंड तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारी दोस्ती कभी भी नहीं खोना चाहती। अब ये सुनकर लिन भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हम दोनों एज अ फ्रेंड इकट्ठे रहेंगे। यहाँ पर जिन उसे अपने फोन पर कुछ फोटोज दिखा रही होती है, उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था कि इतने में बायजू भी ये देख लेता है और ये सब कुछ चैंग ने जानबूझकर उसे दिखाया था। ये देखते ही उस बेचारे के हार्ट में पेन होने लगती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब रात को जिन घर वापस आती है तो वो चैंग से वन ऑन वन बात करती है और उससे कहती है कि तुम्हें आखिर क्या मसला है मेरे से।
माना कि मैं और बायजू नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्या हम लोगों को आम लोगों की तरह से रिलेशनशिप रखने का अधिकार नहीं है? वैसे भी मेरी थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़े ही दिनों में मैंने चले जाना है। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनकर चैंग को थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है कि जैसे वाकई वो गलत करता रहा है। इतने में जिन अपनी फ्रेंड लान के पास जाती है, उसके पास बैठी हुई थी कि इतने में उसकी नोज़ ब्लीड करने लगती है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो सोचती है कि इस तरह से लड़ाई झगड़ों में दिन क्या गुजारने, जो थोड़े से दिन हैं वो बायजू के साथ क्यों ना अच्छे से बिताए जाएं। वो फैसला करती है कि आज की एनिवर्सरी की पार्टी में वो ज़रूर जाएगी। अब वो और लान दोनों स्टोर पर जाती हैं और अपने लिए कोई अच्छा सा पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती हैं कि यहीं पर ही उनकी मुलाकात ग्रैंड माँ से भी हो जाती है, जो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनकी स्टाइलिंग करने में और उनको फटाफट पार्टी के लिए रेडी करा देती हैं। जिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, अब वो जैसे ही पार्टी में बाहर निकलती है, डॉक्टर लिन वहाँ पर खड़ा होता है। इतने में वो बायजू को देखती है तो बायजू उसी सेलिब्रिटी के साथ मौजूद था। बायजू को बहुत गुस्सा आता है जब वो जिन को लिन को इकट्ठे देखता है। अब वो यांग के साथ ही कपल डांस करने लगता है। ये देख कर जिन का दिल टूट जाता है, वो तो उसी की खातिर वहाँ पर आई थी। अब उसे जेलस कराने के लिए वो लिन के साथ डांस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इतना कुछ बायजू का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हार्ट में पेन होने लगती है। वो कोलैप्स होता उससे पहले ही जिन उसके पास पहुँच जाती है। अब वो ठीक हो गया था, लेकिन उसे पकड़ कर अपने साथ पार्टी से बाहर ले जाता है। वहाँ पर जाकर जिन उससे बहुत लड़ती है, उसे बहुत डांटती है, कहती है कि मैं इतना तैयार होकर सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी और तुम उसके पार्टनर बन गए। मेरा दिल बहुत छोटा है और बहुत नाजुक भी, शीशे की तरह टूट जाता है। अब बायजू उसे मनाना चाहता था, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं सुन रही होती, तो यहाँ पर वो उसे चुप कराता है और मनाने के लिए फौरन से उसे किस कर लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बायजू ने जिन को और चैंग को बातें करते हुए देख लिया था और उसे सब पता चल जाता है कि उनके बीच कन्फ्यूजन्स पैदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि चैंग ही है। तो अब उसने जिन से दोस्ती करने का फैसला किया था और वो दोनों पैचअप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे नाश्ते की टेबल पर सीन बिल्कुल बदला हुआ होता है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे थे, बायजू भी जेंटलमैन बना हुआ होता है, और अब की बार गेट पर एक दूसरे से लड़ने और टकराने की बजाय वो एक दूसरे को रास्ता दे रहे होते हैं। चैंग भी ये देखकर हैरान था कि आज मौसम में बहुत बदलाव आया हुआ है। वो जेलस हो जाता है और जब बायजू बहुत प्यार से लवी डवी बनकर जिनको बाय बाय कर रहा होता है, तो तभी वो तेजी से गाड़ी को भगा कर वहाँ से ले जाता है। अब आंटी जियू की भी डेथ हो गई थी और इसी बारे में वो डॉक्टर लिन से भी बात करती है और बताती है कि वो कोई मिस्टीरियस सी मेडिसिन यूज कर रही थी। अब उसके बाद जब वो घर जाती है तो वो बायजू को बताती है कि नेक्स्ट डे उसने एक वॉलंटियर कैंप में डॉक्टर लिन के साथ कहीं पर जाना है। ये सुनकर बायजू बहुत जेलस होता, लेकिन काम तो काम था, जिनको तो करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे वो वही ऑर्गन डोनेशन कैंप में पहुंची हुई होती है। वहां पर एक ऑफिसर सू भी आता है। इस ऑफिसर सू के साथ जिन बहुत अरसे से कांटेक्ट में थी, जब से वो दावू वाला मामला हुआ था। उस केस में जो भी प्रोग्रेस होती थी, जिन और ऑफिसर सू दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे। ऑफिसर सू का एक बेटा था जो कि ब्लाइंड था। वो वहाँ पर एक फॉर्म फिल करता है। उसकी विश थी कि जब कभी भी ऑफिसर सू को कुछ हो तो उसकी आईज उसके बेटे को डोनेट कर दी जाएं। अब कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कि ऑफिसर सू को एक बहुत ही अजीब सी कॉल आती है, जिसके बाद वो बहुत गुस्से में आ गया था और वो बहुत रैश ड्राइविंग करने लगता है। इतने में एक ट्रक आता है जो उसे टक्कर मार देता है और वहीं पर ही वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। अब उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब एक दिन बाद मिसेस सू आती है और जिन से मिलती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ अक्सर कांटेक्ट में थी, मैंने फोन के थ्रू चेक किया है। एक्चुअली मिसेस सू को अपने हस्बैंड पर शक था कि वो उससे चीट कर रहा है, और शक उनको यही था कि शायद जिन ही वो लड़की है जिसका उसके हस्बैंड से चक्कर चल रहा होता है। इवन कि वो ये भी कहती है कि वो जो ब्लाइंड बच्चा था वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का इललेजिटिमेट चाइल्ड है जिसे अब उसने अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ पर जिन उसे शांत कराती है, लेकिन वो बात मान ही नहीं रही थी। इतने में फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और ऐसे प्रिटेंड करने लगता है, कहता है कि जिन मेरी गर्लफ्रेंड है और हमें जल्दी में कहीं जाना है ताकि मिसेस सू से तंग ना करे। एक्चुअली बायजू ने ही फेंग को वहाँ पर भेजा था कि वो जाकर जिन की हेल्प करे। अब एक दफा तो जिन बच जाती है, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है तो वहाँ पर फिर से मिसेस सू आ जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से उसे इतना पता चल गया था कि वो लड़की जिन नहीं हो सकती। इतने में ऊपर से वहाँ पर चैंग भी पहुँच जाता है और अब वो ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे जिन उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसकी रेस्क्यू के लिए पहुंचा हुआ है। अब मिसेस सू भी हैरान रह जाती है कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं। जिन बहुत एम्बेरस होती है और उससे कहती है किसी और तरीके से भी तुम लोग मुझे बचा सकते हो, ये बॉयफ्रेंड का कहना क्या जरूरी था, और वैसे भी मैं खुद को खुद ही बचा सकती हूँ।
अब उसके बाद जब वो घर जाती है तो वो बायजू से शेयर करती है कि एक्चुअली ऑफिसर सू की आईज डोनेट करनी है उसके बेटे को, लेकिन उस फॉर्म पर उसकी वाइफ के सिग्नेचर चाहिए जो वो करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसे कैसे मनाया जाए वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती। बायजू कहता है कि मैं अपने तरीके से काम करा सकता हूं, लेकिन जिनको पता था कि ये जोर जबरदस्ती करेगा और गुंडे भेजेगा वो उसे मना कर देती है। अब उसके बाद वो खुद से कई दफा जाकर मिसेस सू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनती। फिर एक दिन वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड एक मिस्टीरियस सी मेडिसिन पर आजकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और यही मेडिसिन उसे उसकी पॉकेट से भी मिली थी। वो वही मेडिसिन जिन को दिखाती और कहती है कि मुझे शक है कि शायद किसी लोगों ने उसे यही मेडिसिन कंज्यूम कराई होगी और मुझे डर है कि अगर उसके ऑर्गन्स किसी को डोनेट किए गए तो रिसिपिएंट के बॉडी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और इसके साथ साथ उसकी वाइफ को धमकी वाले कॉल भी आ रहे थे कि ऑफिसर सू जिस केस पर काम कर रहा है वो ये काम करना बंद कर दे वरना वो उसे बदनाम कर देंगे। अब उसकी वाइफ को यही फिक्र थी कि मेरा हस्बैंड मरे तो एक हीरो की मौत मरे। अभी सारे उसे मार्टायर कह रहे हैं, लेकिन अगर उसकी बदनामी हुई तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। अब इसी केस को सॉल्व करने के लिए बायजू जिन की पूरी पूरी हेल्प करता है और उस बच्चे का पता चलाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिसर सू का ऑपरेशन होता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। अब यहाँ पर जब मिसेस सू आती है तो जिन उसे सारी डिटेल बताती है और कहती है कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और पता चल चुका है उसकी बॉडी में दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका सिर्फ एक्सीडेंट हुआ था और उसके ऑर्गन सेफली किसी और को डोनेट किए जा सकते हैं। और इतने में वो ये भी बताती है कि उस बच्चे के मम्मी डैडी कोई और हैं, वो एक्चुअली ऑफिसर सू के एक सीनियर का बेटा था और वो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए उसे अडॉप्ट किए हुए था। अब ये सुनकर मिसेस सू काफ़ी शर्मिंदा होती है और उसी फॉर्म पर साइन कर देती है। और उसके बाद वो जिन से भी बहुत सारी सॉरी करती है क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। यहाँ पर बायजू जिन को बताता है कि मुझे पूरा पूरा शक है कि वही मिस्टीरियस मेडिसिन वाले ड्रग डीलर्स नहीं ऑफिसर सू को मरवाया होगा, क्योंकि उस ट्रक की कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी और इसके साथ साथ जो उसे कॉल आई थी वो भी ट्रेस नहीं हो सक रही। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ऑफिसर सू का फ्यूनरल हो रहा होता है। मिसेस सू और उसकी मैरिज तो रजिस्टर हुई थी, लेकिन उनकी वेडिंग सेरेमनी कोई प्रॉपरली अभी तक अरेंज नहीं हुई थी। तो अब फ्यूनरल पर ही मिसेस सू ऐसे सोचने लगती है कि जैसे वो अपनी वेडिंग सेरेमनी पर है और वो भी ऑफिसर सू के साथ। अब जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि जिन बायजू के साथ है, तो उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है मुझे लगता है कि जैसे ये वाला अब तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड है। अब उसके बाद जब बायजू घर जाता है जिन भी देखती है कि आज कुछ स्पेशल दिन लग रहा है, तो पता चलता है कि एक्चुअली आज बायजू का असली वाला बर्थडे है। वो कभी भी बर्थडे मनाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि एक और साल निकल गया और इस तरह से अनलिमिटेड ईयर्स चलते चले जाएंगे। लेकिन आज सारे उसके लिए एक केक बनाते हैं और वहां पर उसे कहते हैं कि कोई विश भी मांगो। वो विश मांगता है, लेकिन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट विश यही थी कि वो जिन से शादी करना चाहता है, लेकिन जिन यहाँ पर बात को बदल देती है, जिसकी वजह से बाहर जाकर जब जिन देखती है तो थोड़ी देर बाद बायजू सैड बैठा हुआ होता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया है। जिन कहती है कि मैं तुमसे शादी के लिए तभी मानूंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे और मुझे विश्वास दिलाओगे कि मेरे मरने के बाद तुम खुश रहोगे और खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उधर हमें डॉक्टर लिन को दिखाते हैं, वो आजकल बहुत रिसर्च कर रहा होता है। वो एक्चुअली वाकई जिन की बीमारी को ट्रीट करना चाहता था और इसीलिए वो बहुत सारे रिसर्चर्स से कॉन्टेक्ट में था। उधर बायजू जब ऑफिस में जाता है तो उसके पास उसका एक गार्डियन क्विंटू आता है और क्विंटू उसके लिए आज बर्थडे प्रेजेंट लेकर आया था। बायजू कहता है कि मुझे पता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, हर साल तो मुझे एक ही गिफ्ट देकर मेरे साथ प्रैंक करते हो। लेकिन क्विंटू कहता है इस दफ़ा कुछ और है। लेकिन जब वो खोलता है तो वही बोरिंग वाला गिफ्ट निकलता है जिसके अभी तक उसकी कबर्ड में लाइन की लाइन लगी पड़ी थी। अब ये मजाक करने के बाद क्विंटू बायजू से कहता है कि मेरे घर पर एक पार्टी है और उस पार्टी में कपल्स को इन्वाइट किया गया है, इसलिए तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़रूर आना। अब बायजू तो बहुत खुश था, वो जिनको कहता है कि तुम अपने लिए एक प्रिटी सा ड्रेस सिलेक्ट कर लो, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। जबकि चैंग और फेंग दोनों परेशान थे, उनके पास डांसिंग पार्टनर ही नहीं था, वो किसको साथ लेकर जाएं। अब चैंग को कोई और लड़की तो नज़र नहीं आती, उसे फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड एक जगह दिखाई देती है। वो उससे कहता है प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ एक दिन के लिए मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैंने एक पार्टी में जाना है। लेकिन वो देखती है, कहती है तौबा करो मैं तो तुम्हें अपने भाई की नज़र से देखती हूँ। ये कहती हुई वो वहाँ से भाग जाती है। उधर हमें फेंग को दिखाते हैं, वो तो डॉक्टर लान की तलाश में था, उसकी नज़र सिर्फ एक ही लड़की पर टिकी हुई थी और वो थी लान। वो उसको ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है कि वो अपनी नर्सेस के साथ बैठी कुछ बातें कर रही है कि जिनकी कंडीशन आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसने ये सारा कुछ बायजू से छुपाया हुआ था। फेंग ये सीक्रेट सुन लेता है और फिर लान को ब्लैकमेल करने लगता है कि ये सारा कुछ मैं जाकर बायजू को बता दूंगा, वरना तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उस पार्टी में चलो। उधर बायजू जिन के साथ खड़ा हुआ होता है और वो एक प्रिटी सा ड्रेस खुद के लिए सेलेक्ट कर रही थी।
इतने में उसे डॉक्टर लिन की कॉल आती है और पता चलता है कि हॉस्पिटल से एक बच्ची मिसिंग हो गई है। वो बच्ची जिन से काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, इसलिए वो फौरन से उसे तलाश करने निकल जाती है। बाजू सोचता है कि ये और लिन अकेले जाएं, इससे बेहतर है कि मैं भी साथ में जाऊं। अब वो लोग उसे तलाश करने अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचे हुए होते हैं, जहां पर वो बच्ची तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। इतने में वो बाजू के हाथ लग जाती है। अब वो बच्ची तो उन्होंने ढूंढ ली थी, लेकिन उसको थोड़ी बहुत सैर तो करानी थी। अब वो लिन के साथ सैर करती है और इसी बहाने हमारे मेन कपल की एक अम्यूजमेंट पार्क में डेट हो जाती है और वो दोनों भी इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब उस पार्क में काफ़ी सारा इंजॉय करने के बाद जब वो बच्ची हॉस्पिटल में वापस जाती है तो उसकी थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। जबकि उधर शाम को पार्टी स्टार्ट हो गई थी, सबको कोई ना कोई पार्टनर मिल गया था, लेकिन चैंग का कोई भी पार्टनर नहीं था। वो बेचारा सैड खड़ा हुआ होता है। इतने में एक लड़की आती है जो उसका बाजू थाम लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका फर्स्ट लव थी लाए, जिसे वो स्कूल लाइफ में मिला था। लेकिन उसे देखकर काफ़ी सारे लोगों का मूड बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि सबको याद था कि क्वीन चैंग एक दफ़ा लाए की वजह से ही किडनैप हुआ था और उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी और बायजू को उनको बचाने के लिए जाना पड़ा था। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जब जिन उस डेड बॉडी का मेकअप कर रही होती है छोटी सी बच्ची का, तो उसकी बॉडी पर भी बहुत सारे मार्क्स थे जो उन्हीं लोगों के हुआ करते थे जो मिस्टीरियस मेडिसिन यूज़ करते थे। उसके बाद हमें चैंग को दिखाते हैं। एक्चुअली उसके साथ कुछ साइकी इश्यू चल रहे थे जिसकी वजह से वो अक्सर सेशंस भी लिया करता था। ये इश्यूज तब से थे जब वो हादसा हुआ था कि जब उसे लाय के साथ किडनैप कर लिया गया था। अब लाय उसकी लाइफ में दोबारा आ गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे अपनाए या फिर भुला दे। उधर दिखाते हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर लिन जिन को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, तो इतने में कोई उसका पीछा करने लगता है। वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लिन को लगा था कि उसकी वजह से जिन की जान भी खतरे में आ सकती है, इसलिए वो जिन को कार से नीचे उतर जाने को कह देता है और उसके बाद आगे जाकर उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिन खुद को बहुत गिल्टी फील कर रही थी, उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे ड्रग डीलर्स उसी की वजह से ही लिन के भी पीछे पड़े हुए हैं और लिन की जान को उसने खतरे में डाला है। इतने में बायजू भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लिन का बहुत बहुत थैंक्स करने लगता है, बहुत ओवर एक्टिंग करता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की जान बचाई। अब यहाँ पर लिन भी उसे टीज करने के लिए बार बार जिन का हाथ थाम लेता है और ये देखकर बायजू को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी, वो उनका हाथ छुड़ाने की कोशिशों में लगा रहता है। उधर चैंग को लाए कहती है कि मैंने USA से ट्रीटमेंट कराया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे लेकिन अब मैं बहुत बेटर फील करती हूँ, क्या तुम भी अगर अपने सेशंस कराना चाहते हो तो हम दोनों हमेशा के लिए USA चले जाते हैं। अब उसकी इस ऑफर को चैंग ने काफ़ी सीरियस लिया था, लेकिन इस बारे में उसने और किसी से भी शेयर नहीं किया था। उधर बायजू को इत्तला मिलती है कि डॉक्टर लिन जब हॉस्पिटल में था तो उसे देखने के लिए कोई आया था और वो था डॉक्टर ज़ाओ। उन्हें लगा था कि शायद ये लिन की जान लेना चाहता है या फिर उसका पता कराने के लिए आया था। वो लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग उसके एक टेम्पररी ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहीं पर ही वो उसकी एक फ़ोटो को देखते हैं। बाजू वो फोटो देखकर हैरान रह जाता है। ये वही था जिसने जिनको छत से धक्का दिया था उस पुराने से क्लिनिक में, और उसके पीछे कुछ पौधों की तस्वीरें थी और ये प्लांट्स काफ़ी मिस्टीरियस टाइप के थे। ये प्लांट्स को बाजू बहुत अच्छे से पहचानता था। इनसे बहुत से हर्ब्स बनते थे जिनको मेटियोराइट के साथ मिलाकर रेडिएशन के थ्रू एक मेडिसिन बनाई जा सकती है। इन प्लांट्स को वो बहुत अरसे से तलाश करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद हमें चैंग को दिखा दें जो कि आजकल लाई के साथ काफ़ी हैंग आउट कर रहा होता है। एक जगह वो पार्टी में जाता है तो वहाँ पर एक फड्डा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी काफ़ी मारपीट हो गई थी, क्योंकि एक लड़के ने लाई से बदतमीजी की थी। चैंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, इसी वजह से उसे ट्रीटमेंट करने के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब जब तक डॉक्टर्स उसे मेंटली क्लियर नहीं कर देते उसे उसी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और फिर फेंग लाय से बात करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उसे मिलने के लिए जाता है और वहीं पर कोई और आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। अब इस मारपीट के बाद ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहती है कि तुम हमारी कंपनी का नाम डबो कर रहोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ ना रहो बल्कि अब्रॉड चले जाओ। वो नहीं मानता लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे भेजना चाहती थी, लेकिन ऐसे मौके पर डॉक्टर लान उसकी हेल्प करने का वादा करती है। अब वो किसी तरह से अपने बॉडीगार्ड्स को डॉज करके एक टॉयलेट में जाता है और वहाँ से वो लोग मेकअप करके ऐसे निकलते हैं कि जैसे कुछ और ही लोग हैं। और फिर लान फेंग को अपने साथ लेकर वहाँ से भगाकर चली जाती है। उधर बायजू अपने गार्डियन के साथ मिलकर ज़ाओ का पीछा करते करते एक क्लिनिक में पहुँच जाता है। वहीं पर जैसे वो जाता है उसे हार्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वही प्लांट्स मौजूद थे और वहाँ पर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस थी जिसकी वजह से बायजू को बहुत पेन होने लगती है। वो खुद को काबू में नहीं रख सक रहा था, इसीलिए क्वीन टू उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। उधर जिन ने भी बायजू से उन फ्लावर्स के बारे में सुना था, तो वो उसे फौरन से बुलाती है और दिखाती है उसकी मॉर्च के बाहर भी वही तरह के फ्लावर्स लगे हुए थे। एक्चुअली इन फ्लावर्स के सीड्स उसे डॉक्टर लिन ने दिए थे।
ये सुनकर बायजू को डॉक्टर लिन पर भी शक होने लगता है। अब जब वो लोग घर जाते हैं तो बायजू उससे पूछता है। जिन कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर लिन कोई बुरा इंसान है, बल्कि मैंने सुना था कि वो एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए इन फ्लावर्स के सीड्स को यूज़ करता है और ये उसने खुद नहीं लिए बल्कि किसी और फील्ड से उठाए हैं और ये उसके प्रोफेसर के हैं। अब अगले ही दिन वो लोग लिन के पास जाते हैं इसी बारे में बात करने के लिए। लिन उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि मेरे प्रोफेसर जैंग बहुत अच्छे इंसान हैं और वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, उनका मिस्टीरियस मेडिसिन से कोई लिंक नहीं होगा और मुझे ये फ्लावर्स और उनकी सीड्स, उनकी फार्मिंग, सारा कुछ वहीं से ही पता चला है। लेकिन जिन और बायजू का कहना था कि अगर ये फ्लावर्स डॉक्टर जैंग के पास है तो मेटियोराइट भी यकीनन उसी के पास होगा, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके वो मेडिसिन बनाई जाती है। अब वो लोग नेक्स्ट ही डे डॉक्टर लिन के साथ उस कंपनी में जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर जैंग की और जाओ की आपस में लड़ाई हो रही है और उसी फाइट के बीच कुछ ऐसा होता है कि बायजू को जाओ चाकू मार देता है। अब डॉक्टर लिन ये देखकर परेशान हो जाता है कि बायजू को फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन जिन को पता था कि इसे कोई ज़रूरत नहीं, उसकी हीलिंग पावर्स के थ्रू फौरन से उसका घाव ठीक हो जाता है और ये सब कुछ डॉक्टर लिन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अब ये देखकर डॉक्टर लिन को भी अंदाज़ा हो जाता है कि बायजू कोई आम इंसान नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा और उसके बाद एक सीक्रेट रूम में डॉक्टर लिन के साथ चले जाते हैं। डॉक्टर लिन वहाँ पर उनको एक स्टोन दिखाता है, एक्चुअली ये वही मेटियोराइट था जिसकी बहुत सालों से बायजू को तलाश थी। जब इससे बायजू टकराया था तो इसका कुछ पीस उसके अंदर एंटर हो गया था, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल हो गया था और उसमें हीलिंग पावर्स भी आ गई थी। बायजू आगे बढ़कर उसे छूना चाहता था, लेकिन वहाँ पर एक वॉल थी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। बायजू लिन से रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह से मुझे आगे बढ़ना होगा और जैसे ही मैं इसे टच करूँगा मेरी बॉडी से वही पार्ट वापस इस मेटियोराइट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद मैं अपनी इमोर्टैलिटी को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन उन लोगों को शक था कि इसी बीच कहीं बायजू की अपनी जान ना चली जाए। अब बायजू के पास समय बहुत कम था और उसे फैसला लेना था। वो जिन से कहता है कि मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, लेकिन अब हो सकता है तुम मुझे मरते हुए देखो, इसीलिए तुम हिम्मत रखना और हमेशा खुश रहना। इतने में वहाँ की रेडिएशन से बचाने के लिए वो जिन को बाहर भेज देता है और उसके फौरन बाद वो ग्रैंडमा को उस मेटियोराइट की फ़ोटो भेजता है। ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो गई थी कि बायजू को वो मिल गया जिसकी वो इतने अरसे से तलाश में था, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ करने के बदले बायजू की अपनी जान अभी भी जा सकती है। वो इस सब के लिए रेडी नहीं थी। वो बहुत दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। वो चाहती थी कि एक दफ़ा बायजू को देख लें, उसे ठीक से गुड बाय तो कर सकें, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है। और उसके बाद वो प्रोटेक्टिव वॉल को ऑफ करता है और किसी न किसी तरह से उस मेटियोराइट को हाथ लगा लेता है। उसे टच करते ही उसे एक्सट्रीम पेन फील होती है और उसकी बॉडी से बहुत सारी रेडिएशंस भी निकलती हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब ये सारा कुछ होने के बाद जब जिन अंदर जाती है तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि बायजू अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। इतने में हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर लिन वो फौरन से उस मेटियोराइट को वहाँ से चोरी करता है और उसके फेस पर एक शैतानी सी स्माइल थी और वो लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। उधर बायजू होश में आता है। जिन उसे एक घाव डालकर देखती है तो पता चलता है कि उसकी कोई भी हीलिंग पावर्स नहीं रही थी, वो अब मॉर्टल हो चुका था, उसकी सारी डिजीजेस ख़त्म थी और वो आम इंसानों की तरह जी सकता है। अब जब तक वो लोग बाहर निकलते हैं ना तो वहाँ पर जाओ था और ना ही डॉक्टर लिन। उनको डर था कि डॉक्टर लिन को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। इतने में वो वापस जाने लगते हैं और डॉक्टर लिन को कॉल करते हैं। डॉक्टर लिन फ़ोन उठाता है और कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था बायजू वो तुम्हें मिल चुका और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका, इसलिए अब मुझसे कॉन्टैक्ट मत करना। और फिर हमें डॉक्टर लिन की रियलिटी पता चलती है। एक्चुअली वो उसी गांव से था जहां पर वो मेटियोराइट पाया जाता था। जब बायजू उस मेटियोराइट पर गिरा था तो उसकी वजह से वो टूट गया। उस गांव के लोगों पर बहुत सारी मुश्किलात आने लगी थी। जिस किसी को भी उस पत्थर का टुकड़ा छूता था तो वो बीमार पड़ जाता था। इवन कि ये बीमारी उनकी नस्लों में भी रन करने लगी थी। डॉक्टर लिन के डैड ने इस मेटियोराइट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने गांव के लोगों को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनको इलीगल एक्सपेरिमेंट करने पर अरेस्ट कर लिया गया था। और अब डॉक्टर लिन अपने डैड का ये सपना पूरा करना चाहता था और अपने विलेज को बचाना चाहता था। और ये सारी ड्रग बनाने में और उसको एक्सपेरिमेंट करने में डॉक्टर लिन का बराबर का हाथ था। उधर जिन को भी अंदाज़ा हो गया था कि उसमें वो रेयर टाइप की डिजीज़ इसी वजह से आई है क्योंकि उसके फोरफादर्स उसी विलेज से बिलोंग करते थे। और अब वो लोग भी डॉक्टर लिन को तलाश करने के लिए उसी गांव की तरफ चल पड़ते हैं। अब बायजू जब आकर देखता है तो उस विलेज में बहुत सारे बदलाव आए हुए थे और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सी मिस्टीरियस सी चीज़ें भी थीं। पूरा विलेज खाली पड़ा हुआ था कि मानो वहाँ पर कोई सदियों से रहता ही नहीं हो। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर रात को स्टे करते हैं तो वहाँ पर एक मिस्टीरियस सी गैस निकलने लगती है जिसे सूंघते ही जिन बेहोश हो जाती है, जिसके साथ ही कोई जिन को किडनैप कर लेता है।
अब जब अगली सुबह जिन की आंख खुलती है तो वो एक गुफा में थी। वो वहां से निकलकर इधर उधर देखने लगती है कि वो किस पॉइंट पर पहुंच चुकी है। एक्चुअली जिन अब उसी मीटियोराइट के करीब पहुंच चुकी थी। वहां पर डॉक्टर लिन भी एक फ्लावर लिए आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। जिन उसे समझाती है कि तुमने बहुत बुरा किया, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कितने लोगों की जान गई। अब जिन वहां से भागना चाहती थी लेकिन वहां पर एक लेयर थी जो कि बाउंड्री बनाती थी जिसके बाहर वो नहीं निकल सकती थी। लेकिन इतने में चैंग वहां पहुंच जाता है और आकर जिन की हेल्प करता है। वो उस बाउंड्री को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसे बताता है कि मैंने सब इंतजाम कर लिया है। थोड़ी ही देर में ये पूरा का पूरा विलेज पानी में डूब जाएगा। अब इतने में आगे जिन बायजू से मिल जाती है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश में होते हैं। अब वो लोग एक माउंटेन पर पहुंच चुके थे और मजे की बात है कि डॉक्टर लिन भी उनके साथ ही वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे ऊपर चढ़ाने में हेल्प भी करते हैं। अब वो मीटियोराइट भी खत्म हो चुका था और उसके साथ के डिजास्टर्स भी। और इसके साथ ही बायजू कहता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है, जिनके जितने भी दिन हैं मैं इसके साथ खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। अब वो लोग अपनी सिटी में वापस आ जाते हैं। जिनका एक ऑपरेशन होता है जिसके बाद लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस सब में उस फिनोमेना का भी असर शामिल था जो उस गांव से होकर आई थी। उधर डॉक्टर लिन को अब पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ होता है, बायजू से मिलने के लिए भी जाया करता था। और उसके बाद नेक्स्ट ही सीन में दिखाते हैं कि बायजू और जिन की शादी हो रही है। जिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और अब उसकी डिजीज़ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और इसके साथ ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।